सामने तिलावत की है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल मेरे हबीब फरमा दीजिए, इनका नाबाउकुम अगर से तुम्हारे बाप है, वाबनाउकुम और तुम्हारे बेटे हो, वाइखवानुकुम और तुम्हारे भाई हो, वाजवाजुकुम और तुम्हारी बीवियां हो, वाशीरतुकुम और तुम्हारा कुनबा हो, वाम वालो निकता वक्त मुहा और तुम्हारा कमाया हुआ माल हो, वतिजारतुन तक शौना कसादा और वो तिजारत हो जिसके नुकसान का तुम्हें अंदेशा रहता है, वमा साकिनो तरजाउना और तुम्हारे पसंदीदा मकान हो, احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ اگر یہ تمام چیزیں یا ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی تمہارے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہے فتربصوا تو انتظار کرو अमरे यहां तक के अल्लाह अपना आदाब लाए, वल्लाह दिल कौमल फासिकीन और अल्लाह ताला फासिक कौम को नाफरमान कौम को हिदायत की राहें नहीं दिखाता। ये है आया करीमा का लफ्जी तर्जुमा। खुलासा ये है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि लोगों अगर तुम्हारे नजदीक तुम्हारे मां बाप, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बहन भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारा कुनबा, तुम्हारा माल, तुम्हारा कारोबार और धंधा और तुम्हारे ये पसंदीदा मकान, कोठियां, बंगले, अगर ये सब चीजें या इनमें से कोई चीज भी तुम्हारे नजदीक अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा प्यारी है और अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज्यादा प्यारी है, तो फिर तुम अजाब के मुंतजिर रहो, फिर तुम अजाब के मुस्तहिक हो और नाफरमान हो, तुम्हें हिदायत की राहें नसीब नहीं होंगी। और अगर इन तमाम चीजों से तुम्हारे नजदीक अल्लाह और अल्लाह का रसूल ज्यादा प्यारा है और अल्लाह की राह में जिहाद करना ज्यादा प्यारा है, तो फिर तुम अल्लाह की रहमत के हकदार हो, बख्शिश के हकदार हो और मोमिन हो, फिर अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत की राहें नसीब फरमाए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, साबित हुआ कि हम लोगों को तमाम चीजों से ज्यादा प्यारा अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को और अल्लाह की राह में जिहाद करने को रखना चाहिए, तब हम मुसलमान बन सकेंगे और अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों के हकदार हो सकेंगे। इस आयत में 8 चीजों का बयान हुआ है, मां बाप, औलाद, बहन भाई, बीवी, कुनबा, माल, तिजारत और मकान, ये 8 चीजें हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन 8 चीजों से तुम्हारे नजदीक अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद करना ज्यादा प्यारा होना चाहिए। देखिए, इस्लाम दीन फितरत है और फितरी तौर पर हर इंसान को अपने मां बाप से मोहब्बत होती है, औलाद से भी मोहब्बत होती है, बीवी से भी मोहब्बत होती, बहन भाइयों से भी मोहब्बत होती, कुनबे से भी मोहब्बत होती, माल से भी, कारोबार से भी, मकान से भी मोहब्बत होती है। तो अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि इनसे मोहब्बत ना रखो, अल्लाह फरमाता है इनसे मोहब्बत रखो, मगर इनकी मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन चीजों की मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद करने से
ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इन चीजों की मोहब्बत ज्यादा हो गई, गालिब हो गई, तो फिर तुम्हारा शुमार फासिकों में होगा, फिर तुम अजाब के मुस्तहिक हो जाओगे। और अगर इन चीजों की मोहब्बत मगलूम रही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद करने की मोहब्बत गालिब रही, तो फिर तुम अल्लाह की रहमत के हकदार हो जाओगे, बख्शिश के हकदार हो जाओगे, और तुम्हारा शुमार मोमिनों में होगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखो, इस आयत से साबित हुआ कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल को और अल्लाह की राह में जिहाद करने को तमाम चीजों से ज्यादा महबूब रखना चाहिए। इस आयत में 8 चीजों का बयान हुआ है, जान का बयान नहीं हुआ, जान इसमें नहीं आई। तो उसके लिए भी एक आयत पेश करो। नबी करीम अलैहिस्सलाम एक जंग में तशरीफ ले गए, मदीने शरीफ के रहने वाले कुछ लोग और कुछ इर्द गिर्द देहात के रहने वाले लोग अपने घरों में बैठे रहे, वो हुजूर के साथ मैदान जंग में नहीं गए। अल्लाह ने आयत उतारी, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मा काना लि अहलि मदीनते वमन हौलहुम मिनल आराब अन यतखल्लफु अन रसूलिल्लाहि वला यरगबू बिअन्फुसिहिम अन नफ्सिही। मदीने शरीफ और इर्द गिर्द देहात के रहने वालों के वास्ते ये लायक नहीं था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठे रहे, और ना ये लायक है कि अपनी जानों को उनकी जान से प्यारा समझे। इस आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ईमान वालों, अपनी जान को रसूलुल्लाह की जान से प्यारा और अजीज ना समझो, बल्कि रसूलुल्लाह की जान को अपनी जान से भी प्यारा समझो। हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीसे पाक भी सुनो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदैहि वबलदैहि वन्नास अजमईन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से और तमाम लोगों से ज्यादा प्यारा मुझे न समझे। सरकारे दो आलम फरमाती, जब तक तमाम चीजों से ज्यादा प्यारा मुझे न समझोगे तुम मोमिन नहीं हो सकते। एक हदीस में वह नफ्से ही का लफ्ज भी है कि अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा जब तक मुझे न समझे मोमिन नहीं हो सकता। चुनाचे अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो अभी नए नए मुसलमान हुए थे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनसे इरशाद फरमाया, है उमर, मैं तेरे नजदीक कितना प्यारा। हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मुझे मेरी जान के सिवा तमाम चीजों से ज्यादा प्यारे। हुजूर ने फरमाया, है उमर, अभी तू कामिल मोमिन नहीं हुआ। कामिल मोमिन उस वक्त होगा जब तेरे नजदीक मैं तेरी जान से भी ज्यादा प्यारा हो जाऊंगा। हजरत उमर ने उसी वक्त कहा, या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम, अब आप मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे। हुजूर ने फरमाया, है उमर, अब तुम कामिल मोमिन हो गए हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनमें ये खामी थी, तो इसीलिए सवाल किया ताकि ये खामी भी दूर हो जाए। और हजरत उमर फारूक कामिल अकमल मोमिनों में से हो जाए। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, सबसे ज्यादा प्यारा अल्लाह और अल्लाह का रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद करना होना चाहिए। जब तक ये बात नहीं होगी, हम मोमिन नहीं करार पाएंगे और अल्लाह की रहमतों के हकदार नहीं। सबसे पहले है अल्लाह ताला की मोहब्बत। आप हजरात जानते हैं कि अल्लाह ताला हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, मुहसिन हकीकी है। उसके हम पर इतने एहसानात हैं कि हम
अल्लाह ताला के एहसानात को गिन नहीं सकते। उसने अपने फजल व करम से हम पर बेशुमार एहसान किए, तो उस मोहसिन हकीकी, उस खालिक और मालिक हकीकी के साथ कितनी मोहब्बत और कितनी उल्फत होनी चाहिए। हमें अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा मालिक है, हमारा खालिक है और हमारा मोहसिन हकीकी है। उसने हम पर बड़ा एहसान किया। देखो ना, अगर अल्लाह ताला हमें कोई जानवर बना देता तो हम कुछ कर सकते थे? बोलो। और जिनको अल्लाह ने जानवर बना दिया है उन्होंने क्या कर लिया है? यफालुल्लाहु मा यशा, वो जो चाहता है करता है, कोई उसको पूछने वाला, रोकने टोकने वाला, कोई उसका एहतिसाब करने वाला नहीं है। वो मालिक के हकीकी है, जो चाहे करे। अगर अल्लाह ताला हमें कोई जानवर बना देता, घोड़ा बना देता, गधा बना देता, कुत्ता बना देता, तो हम कुछ कर सकते थे? अल्लाह का लाख लाख शुक्र करना चाहिए कि उसने महज अपने फजल व करम से हमें इंसान बनाया, और इंसान को अल्लाह ने फजीलत दी। अल्लाह फरमाते हैं, वलकद करमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद को मुकर्रम और मुअज्जम बनाया है। तो अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, और इंसानों में भी कई इंसान ऐसे जो शक्लो सूरत के इतबार से तो इंसान है मगर अल्लाह ताला की सारी मखलूक में बदतर है। अल्लाह ताला ने काफिरों और मुशरिकों वगैरह के बारे में फरमाया, उलाएका हुम शर्रुल बरिया। अल्लाह फरमाता है ये लोग अल्लाह की सारी मखलूक में से बदतर हैं। एक जगह फरमाया, उलाएका कलानाम बलहुम अदल, ये तो हैवानों जैसी हैं बल्कि उनसे भी बदतर। तो अगर अल्लाह हमें काफिर बना देता, काफिरों के घर में पैदा कर देता, तो हम काफिरों के होते तो इंसान मगर मखलूक में बदतरीन होते, हैवानों से भी बदतर होते। तो ये उसका दूसरा इनाम और एहसान है कि उसने इंसान बनाया और मुसलमान बनाया। और मुसलमानों में भी तो कई किस्म के लोग हैं, बहुत सी ऐसी हैं जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की तौहीन करती हैं। कोई कहता है उनको इल्म नहीं था, कोई कहता है उनको इख्तियार नहीं था, कोई कहता है उनसे गलतियां होती थी, वो भूल जाते थे, कोई कहता है कि वो तो अपने आप को कोई नफा नहीं पहुंचा सकती, हमें क्या नफा पहुंचाएंगे। बात करती है उनकी ताजीम इतनी करनी चाहिए जितने बड़े भाई की करी की जाती है। बात करती है माँ दंडा को मरकर मिट्टी में मिल गए। इस किस्म की गुस्ताखियां भी अदमियां करती है। बादलों ने लिखा कि उनसे ज्यादा तो शैतान को इलम था। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बेअदबियां करती। बाद ऐसे भी मुसलमान कहलाने वाले हैं जो सहाबा किराम की शान में गुस्ताखियां करती। बाद ऐसे मुसलमान कहलाने वाले हैं जो अहले बैती अतहार की शान में बेअदबियां करती। बहुत से ऐसे हैं जो औलियाए किराम की तौहीन करती है। तो अगर अल्लाह ताला हमें उनमें से कर देता तो हम मुसलमान कहलाने वाले तो होते मगर हकीकत में मुसलमान ना होते। ये अल्लाह ताला का हम पर तीसरा एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया और अहले सुन्नत हुजूर का गुलाम बनाया। हम हुजूर तारीफ करती है, सहाबा इकराम की भी तारीफ करती है, अहले बैती अतहार की भी तारीफ करती है, औलियाए किराम की भी तारीफ करते हैं। अल्लाह ताला ने हम पर कितना एहसान फरमाया, इंसान बनाया, मुसलमान बनाया और हुजूर का गुलाम बनाया। अल्लाह ताला ने हम पर इतना एहसान किया है, उस अल्लाह ताला से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। और देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने ही पैदा किया, अल्लाह ने ही उनको अता फरमाया, अल्लाह ने ही उनको दर्जा मर्तबा हुस्नो जमाल कमाल अता फरमाया।
सारे नबियों वलियों को अल्लाह ने ही पैदा किया तो अल्लाह ताला का हम पर बहुत ज्यादा एहसान है, उस अल्लाह से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। अब कुरान पढ़ के देखो, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वल्लदीना आमनु अशद्द हुब्बन लिल्लाह, वल्लदीना आमनु वो लोग जो ईमान वाले अशद्द हुब्बन लिल्लाह उनको अल्लाह ताला से बड़ी सख्त मोहब्बत होती। अशद्द फरमाया एक है शदीद, शदीद के माने सख्त और अशद्द के माने बहुत ज्यादा सख्त। जैसे कोई अपने किसी दोस्त से कहे कि मुझे तुझसे बहुत सख्त मोहब्बत है, अल्लाह फरमाता है ईमान वालों को भी अल्लाह से बड़ी सख्त मोहब्बत होती है। तो बोलो हम ईमान वाले हैं या नहीं? तो अल्लाह फरमाता है ईमान वालों को तो अल्लाह ताला से बड़ी सख्त मोहब्बत होती है। तो बोलो भाई हम लोगों को अल्लाह से मोहब्बत है या नहीं? माशाल्लाह, अब तो हम सभी कहते हैं कि है, कौन कहेगा नहीं है? क्योंकि जो कहेगा नहीं है वो तो ईमान वालों की फहरिस्त से निकल जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम सब लोगों को अल्लाह ताला से बड़ी मोहब्बत, लेकिन हमने अल्लाह ताला से बड़ी सख्त मोहब्बत करनी है, करें कैसे? ना तो वो नजर आता है, ना उसका जिस्म है, ना उसका कोई मकान है। वो जिस्म जिस्मानियात से भी पाक, मकान और मकानियात से भी पाक, वो नजर भी नहीं आता, हवास में भी नहीं आता, अकल में भी नहीं आता, उससे मोहब्बत करें तो कैसे करें? मोहब्बत चाहती है हुस्न और जमाल को, और उसका हुस्न और जमाल तो है मगर वो हमारे हवास से और हमारी आंखों से और हमारे इदराक से बहुत बुलंद है। अब हम उससे मोहब्बत करें तो कैसे करें? वो नजर तो आता ही और उसका जिस्म भी नहीं, जिस्म से भी पार, मकान भी नहीं है मकान से भी पार, तो अब हमने करनी है उससे मोहब्बत तो करें कैसे? मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने फरमाया लोगों याद रखो मैं तो जिस्म जिस्मानियात मकान मकानियात से पाक हूँ, तुम्हारे हवास और तुम्हारी अकल से भी बुलंद हूँ, मैंने अपने हबीब को अपने हुस्न और जमाल का मजहर बना के, अपने हुस्न और जमाल का आईना बना के तुम्हारे पास भेज दिया है। अरे मेरे इस रसूल से मोहब्बत करो, इसके साथ मोहब्बत करना, मुझसे ही मोहब्बत करना। ये मैं नहीं कहता, सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मन अहब्बनी फकद अहब्बल्लाह, जिसने मुझे महबूब रखा उसने दर हकीकत अल्लाह को महबूब रखा। मेरे साथ मोहब्बत करना हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत करना। तो हुजूर की मोहब्बत ऐन अल्लाह की मोहब्बत, गौर से सुनो, हुजूर की मोहब्बत ऐन अल्लाह की मोहब्बत है। याद रखो हुजूर की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत में गैरियत नहीं है, हुजूर की मोहब्बत ऐन अल्लाह की मोहब्बत। इसी तरह हुजूर की इताअत ऐन अल्लाह की इताअत है। फरमाया मन युति रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने दर हकीकत अल्लाह की इताअत की। तो हुजूर की मोहब्बत ऐन अल्लाह की मोहब्बत, हुजूर की इताअत ऐन अल्लाह की इताअत, और हुजूर की बैत ऐन अल्लाह की बैत। फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, बेशक जो लोग ऐ हबीब आपसे बैत करती हैं सिवाय इसकी और कुछ नहीं कि वो अल्लाह से बैत करते हैं। आपसे बैत करना ये ऐन अल्लाह से बैत करना है। तो हुजूर की बैत ऐन अल्लाह की बैत, और याद रखना हुजूर की दावत अल्लाह की दावत, हुजूर का बुलाना अल्लाह का बुलाना। मैं नहीं कहता, कुरान पढ़ के देखो,
अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम। ऐ ईमान वालो, जब तुम्हें अल्लाह और अल्लाह का रसूल बुलाए तो उनके बुलाने पर फौरन हाजिर हो जाओ। इसमें जो नुक्ता है वो सुनिए, बुलाने वाले हैं दो, एक अल्लाह और एक अल्लाह का रसूल, और जो बुलाने का सीधा है वो है वाहिद का। इदा दहा, ये दहा सीधा है वाहिद का। दाई हैं दो, बुलाने वाले हैं दो, और बुलाने का जो सीधा है वो वाहिद का है। चाहिए था कि ये सीधा भी तस्वीर का होता तो वाहिद का सीधा इसलिए फरमाया कि पता चल जाए कि रसूलुल्लाह का बुलाना हकीकत में अल्लाह का ही बुलाना। हुजूर की दावत ऐन अल्लाह की दावत। और याद रखो, हुजूर का जिक्र ऐन अल्लाह का जिक्र, ये मैं नहीं कहता, अल्लाह ही फरमाता। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जान तो तमाम ईमान पे जिक्रे कमाई फमन ज़करका ज़करनी। ऐ मेरे महबूब, मैंने ईमान का मुकम्मल होना इस बात पर मौकूफ कर दिया है कि मेरे जिक्र के साथ तेरा जिक्र भी हो। और महबूब, मैंने तेरे जिक्र को अपना ही जिक्र ठहरा दिया है। फमन ज़करों का ज़करनी, जिसने तेरा जिक्र किया उसने मेरा ही जिक्र किया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह का जिक्र, और हुजूर का दीदार अल्लाह का दीदार। फरमाया, मर रहा नहीं फकद रहा हक, जिसने मुझको देखा उसने हक को देखा। चुनाचे एक जंग में हुजूर अलैहिस्सलाम ने चंद कैंकरियां जमीन से उठाई और मारी, तो अल्लाह ताला ने आयत उतारी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मारा मैं इता महबूब, ये कैंकरियां तूने नहीं मारी। इजरा मैं इता, जबकि तूने ही मारी। ये बात है काबिले गौर, तूने नहीं मारी, कब, जबकि तूने ही मारी। समझो मैं क्या कह रहा, तूने कैंकरियां तूने नहीं मारी, कब, जबके तूने ही मारी। तूने नहीं मारी जबके तूने ही मारी, तो फिर किसने मारी? अल्लाह फरमाता है, बना किन्नल्लाह रमा, वो तो अल्लाह ने मारी। अगर यूं होता ना कि तूने नहीं मारी वो अल्लाह ने मारी, तो फिर तो बात सीधी। घुंडी जो है ना, इसमें घुंडी रंग मरोड़ी नुक्ता वो ये है कि तूने नहीं मारी जबकि तूने ही मारी। ये बात बड़ी खास है, तूने कैंकरियां नहीं मारी जबकि तूने ही मारी, वो तो अल्लाह ने मारी। बताना ये था कि तेरा कैंकरियां मारना अल्लाह का कैंकरियां मारना है, और तेरा हाथ अल्लाह का हाथ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, संग रेजा मी सनद दस्तक जनाब, व मारा मेहता इजरा मेहता यद खिता। दस्ते मुबारक से निकली, जब कैंकरियां आपने मारी तो अल्लाह ने आए तो तार दी, मारा मैं था इधरा मैं था बना कि दस्ते अहमद ऐन दस्ते सुलजलाल अलामदा तो अंदर किताबी है। अल्लाह हजरत फरमाते हैं के हुजूर अलैहिस्सलाम का हाथ है अल्लाह का हाथ।
दलीलें भी पेश कर रहे हैं कि वो बेहद वाली आयत पढ़ के देखो और किताब वाली आयत पढ़ के देखो, तुम्हें ये हकीकत मालूम हो जाए। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नतीजा ये निकला कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत ऐन अल्लाह की मोहब्बत। हुजूर से मोहब्बत करना ये अल्लाह से मोहब्बत करना, और हुजूर से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए? माँ बाप, औलाद, बीवी, बहन भाई, रिश्तेदार, माल, कारोबार, मकान, यहां तक कि अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा हुजूर को समझना चाहिए। जब तक कोई इन तमाम चीजों से ज्यादा प्यारा हुजूर को नहीं समझेगा, मोमिन नहीं हो सकता। हफीज जालंधरी ने इसी हकीकत को दो शेरों में पेश किया। वो कहते हैं, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बिरादर जानो मालो नाद से प्यारा, सल्लल्लाहु अलैहि वालेही वासादही वबारका वसल्लम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे ज्यादा प्यारा समझना चाहिए। यहां मैं एक बात करता हूं, पढ़े लिखे हजरात बड़े लुत्फंदोज होंगे। हुजूर के साथ सबसे ज्यादा मोहब्बत रखनी लाजिम। जब तक सबसे ज्यादा मोहब्बत ना हो, आदमी मोमिन ही नहीं बन सकता। वली अल्लाह, गौस कुतुब अब्दाल तो बात की बात है ना, मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक वो हुजूर को सबसे ज्यादा प्यारा ना समझे, सबसे ज्यादा मोहब्बत ना करे। और मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो खाम खा नहीं होती। मोहब्बत खाम खा नहीं हो सकती। मोहब्बत चाहती है हुस्न और जमाल। मोहब्बत हुस्न और जमाल को चाहती। मोहब्बत उससे होती है जिसमें हुस्न हो, जमाल हो, खूबियां हो, वरना मोहब्बत नहीं हो सकती। मसलन आपके अंदर कोई खूबी तो होना, हुस्न तो होना, तो आप किसी से कहेंगे भाई मुझसे मोहब्बत कर। वो कहता मैं किस तरह कराऊं, मेरा दिल ही नहीं आऊंगा तेरे। तो वो डंडा पकड़ लेके करता है मोहब्बत या मारी? तो डंडे से तो हम मोहब्बत करवा नहीं सकते। हम हाँ मोहब्बत तो हो नहीं सकती। मोहब्बत चाहती है हुस्न और जमाल को। अगर आपके अंदर हुस्न और जमाल होगा तो चाहे आप कहीं ना कहीं दूसरे मोहब्बत करेंगे, क्योंकि मोहब्बत हुस्न और जमाल को चाहती है। जहां हुस्न होता है, जहां जमाल होता है, वहां मोहब्बत खुद ब खुद हो जाती। और हुस्न और जमाल के मुख्तलिफ अंदाज, जिस तरह मोहब्बत की अंदाज मुख्तलिफ है, इसी तरह हुस्न और जमाल की अंदाज भी मुख्तलिफ है। हुस्न और जमाल किसको कहती, जरा गौर से सुनना। हुस्न और जमाल सिर्फ चमड़े के सफेद होने का या नकूश के खूबसूरत होने का नाम नहीं। ये भी एक हुस्न और जमाल की किस्म समझ लीजिए कि दुनिया हुस्न में इसको भी हुस्न समझा जाता है। लेकिन अगर किसी शख्स का चमड़ा सफेद हो, नकूश बड़े खूबसूरत हो और वो झूठ बोलता हो, तो लोग क्या कहेंगे कि भाई आदमी तो खूबसूरत है मगर है झूठा। और अगर वो चोरी करता हो तो कहते हैं भाई चमड़ा तो चिट्टा है मगर है चोर। है चमड़े के लिए हाथ से सफेद हो लेकिन उसके अंदर बुराइयां हो, तो बोलो लोग उससे मोहब्बत करेंगे? जो सिर्फ चमड़े के आशिक है, जिनके नजदीक हुस्नो जमाल सिर्फ चमड़े का चिट्टा होना है, वो तो करेंगे मोहब्बत, लेकिन दूसरे लोग उससे मोहब्बत नहीं करेंगे। क्यों? बाद लोगों के नजदीक सदाकत हुसन है, बाद लोगों के नजदीक दयानत हुसन है, बाद लोगों के नजदीक शुजात हुसन है, बाद लोगों के नजदीक इलम हुसन है, बाद लोगों के नजदीक हिलम हुसन है, बाद लोगों के नजदीक सखावत हुसन है। देखिए ना, जो सखी होगा वो सखावत से मोहब्बत करेगा,
जो सादिक होगा वो सदाकत से मोहब्बत करे, जो अमानतदार होगा वो अमानतदारी को महबूब रखे, जो बहादुर और शुजा होगा उसके नजदीक शुजात हुसन होगा। मतलब कोई शख्स चमड़े के लिए हाथ से सफेद हो चिट्टा हो कुछ भी बड़े खूबसूरत हो मगर बुजदिल हो तो बहादुर आदमी कहेगा कि चमड़े के लिए हाथ से तो चिट्टा है मगर इसमें एक ऐब है बुजदिल, इसमें शुजात नहीं है, हिम्मत नहीं, जुरत नहीं है, बहादुरी नहीं। तो जो पहलवान आदमी होगा उसके नजदीक हुसन क्या होगा? शुजात, क्योंकि वो शुजात का आशिक है। तो हुसन की अंदाज मुख्तलिफ है, इसी तरह आशिकों की अंदाज भी मुख्तलिफ है। अल्लाह अकबर, सुनना जरा गौर से। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के तमाम मुसलमानों से फरमा रहे हैं मुझसे मोहब्बत रखो और सबसे ज्यादा मोहब्बत रखो। क्यों? कि ऐ दुनिया वालों, हुसन के जितने भी अंदाज हो सकते हैं वो सब मेरी जात में मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुस्नो जमाल के जितने भी अंदाज हो सकती है वो मेरे अंदर मौजूद है। मेरा रंग रूप देखो तो वो भी लासानी, मेरी सदाकत देखो, मेरी अमानत देखो, मेरी सहाबत देखो, मेरी शुजात देखो, मेरा इलम देखो, मेरा हिलम देखो, मेरा कर्म देखो। गर्ज ये कि जिस हुसन को भी देखना चाहते हो तुम, जिस हुसन के भी आशिक हो, वो हुसन मेरे अंदर मौजूद है। जब मैं हर हुसन का जामे हूँ तो तुम जिस हुसन के भी आशिक हो वो हुसन मेरे अंदर मौजूद है, लिहाजा सब के सब मेरे साथ मोहब्बत। अगर कोई मोहब्बत नहीं रखता तो मालूम हुआ कि वो हुसन और जमाल का आशिक नहीं। मियां, वो जिस हुसन का भी आशिक है, जिस जमाल का भी आशिक है, जिस खूबी का भी चाहने वाला है, हर वो खूबी हर वो कमाल ज़ाते मुस्तफा में मौजूद है। फिर अगर कोई मोहब्बत नहीं करता तो मालूम हुआ कि उसके अंदर मोहब्बत करने की हुई नहीं, वो किसी हुस्न जमाल का आशिक है ही नहीं। तो याद रखो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सबसे ज्यादा मोहब्बत रखनी चाहिए, सबसे ज्यादा। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन को हुजूर के साथ ऐसी ही मोहब्बत, सबसे ज्यादा मोहब्बत रखनी। चुनाते देखिए, जब जंगे बदर हुई तो दो काफिर काफिरों की साबे से निकले, उन्हीं दो काफिरों के बेटे मुसलमान थे और हुजूर की साबे थे। क्योंकि जंगे बदर में ऐसा ही हाल, एक भाई मुसलमान है वो हुजूर की साबे है तो दूसरा भाई काफिर था वो काफिरों की साबे, बेटा मुसलमान है वो हुजूर की साबे है, बाप काफिर है तो वो काफिरों की साबे, और अगर बाप मुसलमान है तो वो हुजूर की सब में, बेटा काफिर है तो वो काफिरों की सब में। तो सबसे पहले दो आदमी निकले वो काफिर, और उनके दोनों के बेटे मुसलमान थे और वो हुजूर की सब। जब उन काफिरों ने मैदान में आकर मुकाबले की दावत दी, कौन है हमसे मुकाबला करने वाला, उन्हीं के दोनों बेटे आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह हमें इजाजत दीजिए हम इन काफिरों से लड़े, इनको कतल करें। हुजूर जानते थे कि ये बेटे वो बाप, हुजूर जानते, हुजूर ने इजाजत नहीं दी, फरमाया तुम्हें इजाजत नहीं, क्योंकि हुजूर बड़े मेहरबान थे, हुजूर ने नहीं चाहा कि बाप और बेटे के दरमियान तलवार चलवाए, फरमाया तुम्हें इजाजत नहीं, दूसरों को भेजा। अगर जी हुजूर ने उनको इजाजत नहीं दी मगर उन्होंने तो मैदान में आगे बढ़कर यह जाहिर कर दिया कि हमें अपने बाप से ज्यादा प्यारा अल्लाह और अल्लाह का रसूल है। तकबीर या अल्लाह। इसी जंगे बदर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नो हुजूर की सब में थे, और इनके बेटे अब्दुल रहमान जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे काफिरों की सब में। लड़ाई खत्म हो गई, बाद में हजरत अब्दुल रहमान भी मुसलमान हो गए। मुसलमान होने के बाद कहा अपने बाप हजरत अबू बकर सिद्दीक से, अब्बा जान जंगे बदर में लड़ाई के दौरान आप मेरी तलवार के नीचे आ गए थे और मैंने जानबूझ के वार नहीं किया आप लोगों का, कि मेरा बाप, मैंने बाप समझ के लिहाज किया, अगर मैं वार कर देता, तलवार चला देता
तो मेरा वो एक वार आपको खत्म करने के लिए काफी था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, बेटा तूने तो बाप समझ के मेरा लिहाज किया, लेकिन खुदा की कसम अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता मैं बेटा समझ के तेरा कभी लिहाज ना करता, क्योंकि जब तू रसूलुल्लाह के मुकाबले पर आ गया था तो मैं तुझे अपना बेटा ही नहीं समझता। उस वक्त मुझे रसूलुल्लाह सबसे ज्यादा प्यारे थे, तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैं तेरा लिहाज ना करता। इसी जंगे बदर में दोनों भाइयों के दरमियान लड़ाइयां हुई, उन्होंने एक दूसरे को कत्ल करने की कोशिश की, बाद सहाबा ने अपने भाइयों को कत्ल कर दिया जबकि वो मुसलमान नहीं थे। उन्होंने साबित कर दिया कि हमारे नजदीक भाइयों से ज्यादा प्यारा अल्लाह है और अल्लाह का रसूल। बीवी की बात भी सुन, हजरत हंजला रबी अल्लाह ताला, आज ही उनका निकाह हुआ, आज ही उनकी शादी हुई थी, पहली रात थी और वो पहली रात का दूल्हा खलवत में था कि अचानक किसी निदा करने वाले ने निदा की, किसी पुकारने वाले ने गली में पुकारा, या अय्युहन्नास أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوكم إلى الجهاد, بے شک اللہ کا رسول تمہیں جہاد کے لیے بلاتا ہے۔ پہلی رات کا دولا خلوت کے لمحات کانوں میں جب آواز پڑی اسی وقت اٹھ گئے, کپڑے بدلے, ہاتھ میں تلوار لے لی اور پہلی رات کی دلہن سے کہا لو خدا حافظ۔ उसने कहा कहां जा रहे हो? कहने लगे तूने सुना नहीं है कि रसूलुल्लाह बुला रहे? कि हां सुना है मगर तुम्हारी तो आज ही शादी हुई। कहने लगे फिर क्या हुआ? जब रसूलुल्लाह का बुलावा आ गया तो चाहे आज शादी हुई हो या 10 दिन पहले हुई हो, अब तो जाना फर्ज हो गया। उसने कहा कि जहां इतने मुसलमान मुजाहिद जा रहे हैं अगर तुम नहीं जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तुम ना जाओ तुम्हारी तो आज ही शादी हुई। कहने लगे क्या तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी कि जब अल्लाह और अल्लाह का रसूल बुलाए तो उनके बुलाने पर फौरन हाजिर हो जाओ? क्या तुमने कुरान में नहीं पढ़ा कि अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद करना तुम्हें बीवी से भी ज्यादा प्यारा होना चाहिए? कहने लगी आयतें तो पढ़ी है मगर तुम ख्याल तो करो कि अगर तुमने पहली रात ही मेरे साथ ये सलूक करना था और मुझे छोड़कर वहां जाना था जहां तलवारें हवा की तरह चलेंगी, तीर मी की तरह बरसेंगे, पता नहीं तुम वापस आओगे या ना आओ, तुम्हारा चेहरा भी देखना नसीब हो या ना हो, तो अगर पहली रात ही मुझे बेवा बना देना था तो फिर शादी क्यों की थी? हजरत हंजला ने कहा मुझे ये तो नहीं ना पता था कि पहली रात ही रसूलुल्लाह का बुलावा आ जाए, लेकिन अब तो आ गए, अब तो जाना फर्ज हो गया। बीवी ने कहा मैं तो नहीं जाने दूंगी। हजरत हंजला ने कहा ऐ मेरी प्यारी बीवी, बेशक तू बड़ी प्यारी है मगर तेरे जैसी 70 बीवियां भी हों तो रसूलुल्लाह के हुक्म पर कुर्बान कर दूं। रसूलुल्लाह के बुलाने पर कुर्बान कर दूं। तू मेरा रास्ता नहीं रोक सकती, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, क्योंकि मेरे कानों में आवाज पड़ गई है कि रसूलुल्लाह बुला रहे। लेकिन आप जानते हैं कि वो खातून भी तो सहाबिया थी, वो भी तो हुजूर को देखने वाली थी, वो भी तो मोमिना थी। उस खातून ने कहा ऐ मेरे सरकेदार, सुनो सुनो, मैं तुम्हें रोक नहीं रही थी बल्कि तुम्हारा इम्तिहान कर रही थी, देख रही थी कि मेरी मोहब्बत ज्यादा है या अल्लाह रसूल की मोहब्बत ज्यादा है। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे ऐसा शौहर दिया जो फर्ज सदास है, जो कामिलुल ईमान है। जाओ जाओ खुशी से जाओ, तुम्हें अपने हाथों से घोड़े पर सवार करूंगी, मैदान जंग में जाओ और जाकर लड़ो, लड़ते हुए मेरी तरफ ख्याल न रखना, रसूलुल्लाह की तरफ ख्याल रखना। अगर तुम गाजी बन के वापस आए तो खंदा पेशानी से तुम्हारा इस्तकबाल करूंगी, और अगर तुम शहीद हो गए तो रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करूंगी, या रसूलुल्लाह
मैं आपकी वो कदील हूँ जिसने पहली रात का चूल्हा अल्लाह की राह में कुर्बान किया। अल्लाह हजरत हंजला गए, जाते ही लड़ाई में शहीद हो गए। इस तरह लड़े के लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जंग खत्म हो गई, जब शुहादा की लाशें इकट्ठी की गई, हजरत हंजला की लाश नहीं मिली। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमने अपनी आंखों से उनको जख्मी होते हुए, शहीद होते हुए देखा, मगर उनका जज्बे मुबारक नहीं मिल रहा। फरमाया, अभी उनका जज्बे मुबारक आ जाता है। हुजूर कहां चला गया? फरमाया, फरिश्ते गुस्ल देने के लिए आसमानों पर गए, क्योंकि जब उनके कानों में आवाज पड़ी थी तो वो जिस हालत में थे उसी हालत में उठकर आ गए। अभी उन्होंने गुस्ल भी नहीं किया था, फरिश्ते उनको गुस्ल देने के लिए ले गए थे। थोड़ी देर के बाद उनकी लाश मुबारक आई, जिस्म से पानी के कतरे टपक रहे थे और उन कतरों से कस्तूरी से बढ़कर खुशबू आ रही। उस दिन से उनका लकब ही हो गया गसीरुल मलाइका। वो हंजला जिनको फरिश्तों ने गुसल दिया, उन्होंने अपने अमल से साबित कर दिया कि मुझे बीवी से पहली रात की दुल्हन से अल्लाह और अल्लाह का रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद करना ज्यादा प्यारा है। और सहाबा ने जान माल की बाजियां लगाई या नहीं लगाई? अल्लाह रसूल के लिए घर बार सब कुछ छोड़ा या नहीं छोड़ा? उन्होंने अपने अमल से साबित कर दिया कि हमें अल्लाह और अल्लाह का रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद करना सबसे ज्यादा प्यारा। क्योंकि जब तक सबसे ज्यादा प्यारा ना समझा जाए आदमी मोमिन नहीं बन सकता। अब मैं आपसे पूछता हूं, बोलो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत है या नहीं? बोलो, जरा ऊंची बोलो, है। अल्हम्दुलिल्लाह, मोहब्बत है। लेकिन ये है दावा कि हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, ये हमने क्या किया? दावा किया मोहब्बत। और हर दावे की दलील भी होती है, हर शय की कोई ना कोई निशानी और अलामत भी होती। लेकुल शयइन अलामतुन, हर शय की कोई ना कोई अलामत होती है। मोहब्बत की भी अलामतें हैं या नहीं? तो अब हमने ये देखना है कि हम दावा तो करते हैं मोहब्बत का, क्या मोहब्बत की निशानियां मोहब्बत की अलामतें भी हमारे अंदर हैं या नहीं? अगर हो तो हम अल्लाह का शुक्र करें और अल्लाह से इस्तिकामत मांगें, और अगर ना हो तो फिर अपने अंदर उनको पैदा करने की कोशिश की जाए। आइए मैं मोहब्बत की चंद अलामतें निशानियां आपके सामने बयान करता हूं। पहले जरा मीठी मीठी निशानियां बयान करो, मीठी मीठी। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाती है, मन अहब्ब शैयन अक्सर ज़िक्रहू, जिसको जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है वो उसका जिक्र भी बहुत ज्यादा करता है। मोहब्बत की एक अलामत ये है कि मुहिब अपने महबूब का बहुत ज्यादा जिक्र करता है, और जिक्र महबूब उसके कल्ब और दिल की तस्कीन का बायस होता है। जितनी लज्जत उसको महबूब के जिक्र में आती है इतनी लज्जत किसी और चीज में नहीं है। ये मोहब्बत की एक निशानी है। मोहब्बत वाला कसरत से अपने महबूब का जिक्र करता है। तो अगर हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ सबसे ज्यादा मोहब्बत है तो फिर हमें चाहिए कि हम कसरत से अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र किया करें, अल्लाह का जिक्र भी कसरत से किया करें, हुजूर का जिक्र भी कसरत से किया करें। और मैं बता चुका हूं कि हुजूर का जिक्र भी अल्लाह का जिक्र है। तो कसरत से हुजूर का जिक्र करना ये मोहब्बत की निशानी। अब मैं एक बात आपसे पूछता हूं, बाद लोग हुजूर का जिक्र सुन ही नहीं सकते, मजमे में आते हैं हुजूर का जिक्र हो, हुजूर के फजाइल बयान हो, हुजूर के हुस्न जमाल का, हुजूर की सीरत तैयबा का बयान हो, हुजूर के फजाइल प्यारी प्यारी बातें हो,
उनको अच्छी नहीं लगती। कहते हैं ये बरेल भी हर वेले हुजूर का ही जिक्र करते रहते, ये सुन्नी तो हर वक्त हुजूर का ही जिक्र करते रहते, जब देखो हुजूर की शान, और इनको कुछ आता ही नहीं। तो वो बैठे होते हैं थोड़ी देर, जब बैठे होते हैं ना तो मत्थे के वट पै होते, माथे पर शिकन होती और अंदर से फल खा रहे होते फल, और चेहरे पर एक वाशत सी दाढ़ी होती है। थोड़ी देर के बाद उठ के चल बैठ नहीं सकते, हुजूर का जिक्र नहीं सुन सकते। खुदा के लिए मुझे बताओ, जो महबूब का जिक्र सुन ही नहीं सकते, क्या उनको हुजूर से मोहब्बत होती है? मोहब्बत वाले का तो ये हाल होता है, जहां महबूब का जिक्र होता है वो मस्त हो जाता है। महबूब के जिक्र में तो वो मुस्तगरिक हो जाता है, और महबूब के जिक्र से इतनी लज्जत पाता है कि किसी चीज में इतनी लज्जत उसको नहीं आती। उसके दिल को तस्कीन होती है, फरहत होती है, उसका चेहरा फूल की तरह खिला हुआ होता है, देखकर पता चलता है कि हुजूर के जिक्र से ये खुश हो रहा है। तो जो हुजूर का जिक्र छोड़ ही नहीं सकते, और थोड़ी देर के बाद उठ के चल पड़ते हैं, मालूम हुआ उनको हुजूर से मोहब्बत नहीं। जब मोहब्बत नहीं तो ईमान भी नहीं, क्योंकि ईमान नाम है मोहब्बत। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो लोग हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं सुनते, जहां हुजूर की शान बयान होती है, फदाइल बयान होती है, वहां से उठ के चले जाती है, उनको मोहब्बत नहीं होती। और हम सुन्नी हर वक्त हुजूर का ही जिक्र करते हैं, क्योंकि ये मोहब्बत की निशानी, मोहब्बत की निशानी। देखो ना, मजनू को लैला से मोहब्बत, वो हर वक्त लैला लैला ही करता है, मोहब्बत जो थी उसको। चुनाचे एक मरतबा उसने उंगली को कलम बनाया हुआ और जमीन को कागज बनाया हुआ, तो उंगली से खत लिखे लैला लैला। किसी ने कहा क्या कर रहे हो? कह रहे लैला को खत लिख रहा। देखने वाले ने कहा कौन से लेटर बक्स में ये खत डालोगे? और ये खत लैला के पास पहुंचेगा कैसे? अरे उंगली से जमीन के ऊपर लिख रहे हो, तो ये उसके पास कैसे पहुंचेगा? मजनू कहने लगा उसके पास पहुंचे ना पहुंचे, मेरे दिल को तो तस्कीन हो रही, मैं तो अपने दिल की तस्कीन का सामान कर रहा हूं। जनाबे मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह मसनवी शरीफ में पढ़ा, मजनू ने कहा कि गुफ्त मशके नामे लैला मी कुनम, और खा तेरे खुद रात सलामी दे हम। उसने कहा ये खत लैला के पास पहुंचे ना पहुंचे, मगर जब मैं उसका नाम लेता हूं या लिखता हूं, मेरे दिल को तस्कीन होती है, मेरे दिल को इत्मीनान होता है। मुझे क्या उसके पास पहुंचे ना पहुंचे, मैं तो अपने कलब की तस्कीन का सामान कर रहा हूं। तो मोहब्बत वालों को महबूब के जिक्र से तस्कीन होती है, इत्मीनान होता है, वो हर वक्त महबूब का जिक्र करती है। ये मोहब्बत की निशानी, हर वक्त जिक्र करेंगे दूसरी पर सल्लल्लाहु अला हबीब ही सैयदना मुहम्मद, हुजूर का सलाम देंगे, हुजूर का जिक्र करेंगे, हुजूर के फजाइल बयान। और बाद लोग जो है वो हुजूर का जिक्र सुन ही नहीं सकते, वो दुरूद शरीफ से उनको एक किस्म की चिढ़ होती, क्यों पढ़ते हो? तरह तरह के हीले बहाने बना के उस दुरूद से रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको ये पसंद नहीं है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों याद रखो, हुजूर अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा प्यारे हैं, और अल्लाह का रसूल फरमाता है जो चीज सबसे ज्यादा प्यारी होती है, मुहिब कसरत से उसी का जिक्र कर। हर वक्त जिक्र रसूल करना ये मोहब्बत की निशानी एक। दूसरी निशानी क्या है मोहब्बत की? दूसरी निशानी किधर ध्यान करो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जिसके साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है,
आदमी उसके दीदार का मुश्ताक होता है, तड़पता है उसको देखने के लिए, और उसके लिए बड़ी मेहनत बड़ी कोशिश करता है कि किसी तरह महबूब से मुलाकात हो जाए, महबूब की जियारत हो जाए, महबूब का दीदार हो जाए, क्योंकि आशिक हो और फिर तालिबे जियारत ना हो, ये तो मोहब्बत नहीं। मोहब्बत वाला तो तड़पता है कि मेरा महबूब मुझे मिले, उसके लिए 100 हीले 100 जतन 100 तरीके इख्तियार करता है कि किसी तरह महबूब की जियारत हो जाए, महबूब का दीदार हो जाए। तो बोलो, हम हुजूर की जियारत का इख्तियार रखते हैं, रखना चाहिए, और जब महबूब की जियारत नहीं होती, मुलाकात नहीं होती, तो आशिक फिर रोता है महबूब के हिजर में और इश्तियाक के मुलाकात में रोता है, आंसू बहाता है। जब वो रोता है आंसू बहाता है तो फिर कर्म हो जाता है और उसकी मुराद पूरी हो जाती है। क्योंकि हमारे पंजाबी में एक मकूला है, जेड़ा रोया ओदा काम होया। जेड़ा रोया यानी जो रोया उसका काम होया, हुआ यानी। तो मियां जो रोने वाला होता है, देखो ना, बच्चा ना, गोद का बच्चा जब तक गहवारे में खेलता रहे, मां कहती खेल रहे, कोई बात नहीं, वो काम काज में लगी रहती, खेल रहे। बच्चा देखता है कि जब तक खेलता रहूंगा ना, दूध नहीं मिलेगा, मां समिति खेल रहे, खैर रोना शुरू कर दे। जो ही रोता है, उधर बच्चे के रोने की आवाज निकली, इधर मां की मानता ने जोश मारा, सारे काम काज छोड़ के आती है और आकर बच्चे को सीने से लगा लेती है। तो देखा आपने, चंद रोज का बच्चा भी जानता है कि रोऊंगा तो मेरी मां को मोहब्बत आ जाएगी और वो मुझे सीने से लगा, अपनी आंखों से मोहब्बत मिलेगी। तो मियां, अगर चाहते हो ना कि रसूलुल्लाह भी अपने दामन रहमत में ले लें, तो हुजूर के हिजरों फिराक में और इश्तियाक में रोया कर, क्योंकि हुजूर 1000 मां बाप से बढ़कर मेहरबान है। आप जानते नहीं है कि वो सतून हन्नाना हुजूर के हिजरों फिराक में रोया था तो हुजूर ने सीने से लगा लिया। रोने वाले का काम होता है, सुनो एक बात तवज्जो से सुनो, हुजूर अलैहिस्सलाम जब मक्के से हिजरत फरमा के मदीने शरीफ गए थे, मदीने शरीफ गए थे, तो सारे मदीने वाले मुश्ताक, सब मदीने वाले मुश्ताक, क्योंकि सब तारीफ, सब गुलाम थे, सब ने अपने घरों को सजाया। हुजूर अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जब मदीने शरीफ में दाखिल हुई, ये भी एक बात कर दू, मदीने वालों ने हुजूर की आमद की खुशी में जुलूस निकाला, झंडे बुलंद किए और हुजूर का जुलूस गलियों बाजारों में से गुजर रहा, औरतें और मर्द मकानों की छतों पर चढ़े हुए इस जुलूस को देख रहे, बच्चे गलियों में मुतफर्रत थे और सबके सब क्या नारा लगाते थे। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, औरतें और मर्द अपने मकानों की छतों पर चढ़े हुए थे, बच्चे गलियों में मुतफर्रक, और ये सबके सब नारे क्या लगा, युनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद, ये नारे लग रहे। मालूम हुआ हुजूर की आमद की खुशी में जुलूस निकालना, झंडे बुलंद करना, या रसूल अल्लाह के नारे लगाना, ये सहाबाए किराम की सुन्नत। मदीने वालों ने ये किया क्यों? इसलिए कि उनको हुजूर के आने की खुशी थी। हम भी मिलादुन नबी के महीने में जुलूस निकालती है, झंडे बुलंद करती है, या रसूल अल्लाह के नारे लगाती है, हमें भी हुजूर के आने की खुशी है। नारे तकबीर अल्लाह। जो बात करनी है वो ये है,
हुजूर अलैहिस्सलाम मुंदनी पर सवार थे, जिस अंसारी के मकान के पास ऊंटनी जाती, यानी मदीने शरीफ के रहने वाले मुसलमान जो थे, जिस मुसलमान के दरवाजे के पास ऊंटनी जाती वो मुहर पर गई। या रसूलल्लाह मेरे घर का दम लग गया, मेरा घर हाजिर, इसमें तशरीफ रखी और हुजूर फरमाते थे उतरकुहा, मेरी सूतनी को छोड़। फइन्नहा मामूरा, ये अल्लाह की तरफ से मामूर की गई है, जहां अल्लाह का हुक्म होगा खुद ब खुद बहर जाएगी। छोड़ दो मुहर्रम, जहां अल्लाह का हुक्म होगा बहर जाए। ऊंटनी जा रही, अल्लाह अकबर, गौर से सुनना, कहां ऊंटनी जाकर बैठी? हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम। ये तो आपने बारहा सुना, मैं जो बात करना चाहता हूं वो भी आपने सुनी होगी, जिसने नहीं सुनी वो भी सुन लो। हजरत अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर क्यों ऊंटनी बैठी? मुस्ताद तो सभी थे, तालिब तो सभी थे, सब हुजूर के सहाबी थे, सब चाहने वाले थे, सब सच्चे थे, सब मुखलिस थे, तो फिर ऊंटनी हजरत अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे के आगे क्यों थे? इसकी वजह से मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, तफसीर सादी के अंदर और जज्बुल कुलूब इदा इला तैयारिल महबूब के अंदर ये वाकया मौजूद है कि एक बादशाह हुआ है, नबी करीम अलैहिस्सलाम से तकरीबन कितने सौ साल पहले, उसका नाम था तुब्बाए हिमयरी, तुब्बा। इस तुब्बे बादशाह का जिक्र कुरान में भी आया है, सूरह काफ में अल्लाह फरमाता है बकौम तुब्बा। तो ये तुब्बा बादशाह जो था, इस बादशाह को ये शौक था कि सारी दुनिया को पता करें, सारी रूए जमीन पर इसकी हुकूमत, हर जगह इसके परचम लहरा रहे। अपना अपना शौक होता है, किसी को किसी चीज का शौक, किसी को किसी चीज, इसको यह शौक। इसने बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया हुआ था, बड़ा असला था, बड़ी कुव्वत, बड़ी ताकत, बड़ी शौकत, यह फतूहात का सिलसिला आगे बढ़ाता रहता था। एक मर्तबा यह कसीर लश्कर के साथ आया और इसने मक्के शरीफ को फतह करना चाहा। यह बादशाह अपने साथ उलमा भी रखता था, नजूमी, काहिन, साहिब, हर किस्म के लोग अपने साथ रखता। जब ये मक्के शरीफ आया तो उलमा ने इसको मशवरा दिया कि बादशाह, ये शहर बड़ा मुबारक शहर, इस शहर में अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल अलैहिम सलाम का बनाया हुआ घर है, जिसको काबतुल्ला कहते हैं, और इस शहर के रहने वाले अल्लाह के घर के पड़ोसी है, तो इस शहर के रहने वाले लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, इनके खिलाफ तलवार नहीं उठानी चाहिए, और ना यहां झंडा लहराना चाहिए। यहां अल्लाह का ही झंडा लहराता रहे तो ठीक है, यहां तवाफ करो, एहराम बांध के तवाफ करो, उमरा करो, और यहां के रहने वाले लोगों का अदब करो। और ये लोग मुखालिफ तो हैं, इन्होंने कोई तेरे मुकाबले में तलवार तो उठाई, तो जहां से आगे बढ़ जाते हैं सारी दुनिया पड़ी है फतह करने के लिए। बादशाह नेक था, उसने उलमा की बात मान ली, पहले जमाने के बादशाह उलमा की बात मान लिया करते। आजकल तो लोग कोई अहमियत ही नहीं देते, परवाह ही नहीं करते। पहले जमाने के जो बादशाह होते थे वो उलमा बुजुर्गों की बातें मान लेते थे, इसमें उनकी भलाई होती। और उस जमाने के उलमा उनको रास्ता भी सही दिखाते। आजकल मौलवी भी बाल चमचे हो गए हैं, दरबारी हो गए हैं, उनके पेशे नजर अल्लाह की रजा नहीं होती, बादशाहों की रजा होती है। अल्लाह अपना खौफ अता फरमाए, पेशे नजर अल्लाह की रजा रहे। आमीन। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, बादशाह ने उलमा की बात मान ली और मक्के को छोड़ दिया, तवाफ किया और वहां से आगे बढ़ गए। जब आगे गए तो सफर करते करते उस मकाम पर पहुंचे जहां अब मदीना शरीफ है। यहां एक छोटी सी बस्ती थी, ऐसी खजूरे
थी कि रूए जमीन पर ऐसी शानदार खजूरें कहीं और नहीं थी। ये तो आपने भी देखा होगा, दुनिया भर में खजूरें होती हैं, लेकिन जो मदीना शरीफ से खजूरें आती हैं, खास किस्म की हाजी साहिबान लाते हैं, ऐसी खजूरें आपने कभी देखी? बड़ी शानदार खजूरें होती थी। जब बादशाह यहां आया, उसने खजूरों के दरख्त देखे और खजूरें लेकर खाई तो कहने लगा भी ऐसी खजूरें कभी नहीं देखी, यहां जितनी भी खजूरें हो सकती हैं उनको ले लो और इन लोगों से कहो कि हमें खजूरें उतार दें और वो पका के दे दें, तो खजूरों का स्टॉक कर लो, राशन कर लो, लश्कर के लिए काम है। बादशाह का लश्कर वहां ठहर गया, मदीने शरीफ के बाहर खुले मैदान। रात जब हुई, बादशाह के लश्कर में जो उलमा और सूफिया बुजुर्गान दीन थे, जो रात के वक्त उठ के अल्लाह अल्लाह करते थे, वो जो उठे तो उन्होंने देखा कि इस बस्ती के करीब एक ऐसी जमीन थी जिस जमीन से नूर की शुआएं निकल रही, नूर की शुआएं बुलंद होकर आसमान तक जा रही। उन्होंने बड़े गौर से देखा, कहने लगे हमने दुनिया फिरी है, बड़े बड़े मुकद्दस मकाम आप देखे हैं, मगर इस किस्म का जलवा कहीं नहीं देखा कि यहां की जमीन से नूर की तजल्लियां निकल रही। सारी रात वो ये मंजर देखते रहे। सुबह उठकर उन्होंने किताबें खोली कि देखे इस जमीन को क्या शरफ और क्या सआदत हासिल है। तो उन्होंने आसमानी किताबों और सहीफों में नबी आखिर जमान के हालात पढ़ने शुरू किए। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि नबी आखिर जमान की विलादत मक्के में होगी और वो हिजरत करके जिस जगह जाएंगे वहां खजूरों के दरख्त होंगे और वहां पहाड़ियां होंगी, पहाड़ों के दरमियान एक मकाम होगा जहां खजूरों के दरख्त होंगे और इस किस्म की निशानियां होगी, वो उनकी हिजरत गाह होगी और वही उनकी कब्रें अनवर होगी। सुभान अल्लाह। तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि जिस जमीन से नूर की शुआएं निकल रही है, ये वो जगह है जहां सरवरे आलम की, नबी के आखिर जमान की कब्रें अनवर होगी। गोया यही वो जमीन है जो कियामत तक उनके नूर से जगमगाएगी। जब वो इस नतीजे पर पहुंचे तो उन्होंने बादशाह से तज़किरा किया। बादशाह हमने रात को ये देखा, सुबह किताबें पढ़ी तो हम इस नतीजे पर। बादशाह ने कहा भाई बड़ी खुशी की बात है कि हमने मक्का शरीफ भी देख लिया, नबी की आखिरी जमान की विलादत का भी देख ली, हिजरत का भी देख ली और रौजा अनवर का मकाम भी देख लिया, बड़ी खुशी की बात है। जब चलने लगे तो बाद उलमा जो थे उन्होंने कहा बादशाह हमसे जहां तक हो सका हमने तेरी खिदमत की है, अब हमारी दरख्वास्त यह है कि हमें छुट्टी दे दे, अब हम इस सरजमीन को छोड़कर नहीं जाएंगे, यही रहेंगे, उस नबी का इंतजार करेंगे, अगर वो हमारी जिंदगी में आ गया तो खैर, वरना उसके इश्तियाक में जाने दे देंगे, यही दफन होंगे और कुछ नहीं तो कयामत के दिन हमारा हशर भी उसी जगह से होगा जहां से वो नबी उठेगा। यार अब हम इस दर को छोड़कर नहीं जाएंगे, हमें इजाजत दे। बादशाह ने कहा मैं तुम्हारे शौक में हायल नहीं होना चाहता, अगर तुम्हारी खुशी है तो तुम रहो, और क्या याद करोगे कि किसी बादशाह के साथ रहे थे ये लोग, दौलत शानदार घर बनाओ, मकान बनाओ और ऐश के साथ वुसअत के साथ जिंदगी गुजारो, और सुनो मेरे खर्चे से एक आधा दर्जे के पत्थरों का दो मंजिला मकान बनाओ। सारा लश्कर लग गए, उन्होंने पत्थरों को घर घर के साफ किया और चूने वगैरह के साथ उन पत्थरों को लगा के दो मंजिला मकान बनाया बादशाह के खर्चे। जब मकान बन गया तो बादशाह ने एक तांबे की तख्ती के ऊपर खत लिखा, उस खत में लिखा कि यह खत तुब्बे हिमयरी की तरफ से अल्लाह के आखिरी नबी रहमतुल्लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम है।
आगे उसने लिखा ऐ नबी फाइनी आमन तो बेका वादे किता देगा वादे दीने का ऐ नबी मैं तुझ पर तेरी किताब पर तेरे दीन पर ईमान लाता हूँ और गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और गवाही देता हूँ कि बेशक तू अल्लाह का सच्चा रसूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। बादशाह ने लिखा ऐ अल्लाह के नबी मैं तेरे रसूल होने की शहादत दे रहा हूँ और आप इतना करम करें कि कल कयामत के दिन मुझे अपने दामन रहमत में ले मेरी शफाअत करके मुझे अल्लाह से बख्शवाए। ये लिखा, अपना नाम कंधा करवाया और एक आलिम को कहा कि इस मकान में बतौरे खादिम के रहो, ये तुम्हारी मिल्कियत नहीं, तुम्हारे पास ये अमानत। जब वो नबी तशरीफ ले आए तो मेरी तरफ से ये मकान और ये खत उनकी खिदमत में हदिया पेश कर दे। बादशाह चला गया और एक आलिम बतौर खादिम उस मकान में रहने लगा। अब वो जितने उलमा ठहरे थे वो हुजूर के फजाइल बयान करते, लोगों को बताते और इंतजार करते। इंतजार करते करते उम्रे गुजरी, जब आखिरी वक्त आया तो उन्होंने अपनी औलादों को वसी कि तुम्हारी जिंदगी में आ जाए तो ये मकान और ये तख्ती उनके हवाले कर दें, अगर तुम्हारी जिंदगी में ना आए तो मरते वक्त तुम आगे वसीयत कर दें, और उनको कहना कि उनकी जिंदगी में ना आए तो वो आगे वसीयत कर दें। ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे, नस्लें गुजर रही है, पुश्तें गुजर रही है, इंतजार हो रहा है, इंतजार करते करते कई लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई। सुनो सुनो, ये हजरत अबू अय्यूब अंसारी उसी आलिम की औलाद में से, और जिस मकान में ये रहते थे वो मकान वही मकान था जो बादशाह ने हुजूर के लिए बनाया था। तो मुश्ताक तो सभी थे, तालिब तो सभी थे, मगर हुजूर ने इरशाद फरमाया मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, कोई मुश्ताक है 2 महीने का, कोई मुश्ताक है 6 महीने का, कोई मुश्ताक है साल का, कोई 2 साल का, मेरी ऊँटनी वहां बैठेगी जिनको इंतजार करते करते मुद्दतें गुजर गई है। जहां इश्तियाक और इंतजार में कई नस्लें और पुश्तें खत्म हो गई है वहां ऊँटनी बैठे, ऊँटनी बैठ गई। हजरत अबू अय्यूब अंसारी मकान के दरवाजे में खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे, कपड़ा बिछाया, हुजूर बैठ गए, दौड़े गए और बाग में से ताजा ताजा खजूरें तोड़ कर लाए, हुजूर की खिदमत में पेश की। हुजूर ने इरशाद फरमाया अबू अय्यूब खजूरें बाग में खाएंगे, पहले उस दोस्त की चिट्ठी लाओ, पहले उस दोस्त का खत लाओ। तालिब और आशिक का खत जब हुजूर ने देखा तो हुजूर अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए और उस बादशाह के लिए दुआ फरमाई, फरमाया कयामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूंगा। तो देखा आपने, मैं कहना क्या चाहता था, मुश्ताक तो सभी थे मगर महबूब उनको मिला जिनको रोते हुए मुद्दतें गुजर गईं, जिनकी उम्र इश्तियाक में और इंतजार में गुजर गई थी। तो जो महबूब की याद करता है शौके मुलाकात में आंसू बहाता है उस पर करम हो जाता है। आपने नहीं सुना होगा कि मेराज की रात अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया कि एक बुराक मेरे हबीब के लिए ले जाओ। जिब्रील गए, बहिश्त में क्या देखा, 40,000 बुराक, सबके सब खूबसूरत, सबके सब मुश्ताक, मगर एक बुराक एक तरफ खड़ा हुआ रो रहा। जिब्रील ने उसको देखा तो तरस आया, भाई तू क्यों रो रहा है, तुझे क्या सदमा पहुंचा। बुराक ने कहा है अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते मैंने ये सुना कि इन बुराकों में से एक बुराक अल्लाह के हबीब की सवारी के लिए जाएगा। जब से मैंने ये सुना है उस वक्त से रो रहा और रो रो के अल्लाह की बारगाह में इंतजार कर रहा हूं कि या अल्लाह ये शर्फ मुझे अता कर, अपने हबीब की सवारी का शर्फ मुझे अता कर।
जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो हिम्मत हार देता हूँ कि मुझ में कौन सी खूबी है कि इतने बुढ़ापों में मेरा इंतखाब हो जाए, और जब मैं उसके कर्म को देखता हूँ तो आस उम्मीद लग जाती है कि अगर वो करीम कर्म कर दे और मेरा इंतखाब हो जाए तो उसके कर्म से बईद नहीं। तो हुजूर की मोहब्बत में इश्तियाक में रो रहा जिब्रील अमीन ने जब ये बात सुनी तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला किसको छोड़ूं, किसको लेके जाऊं? अल्लाह ने फरमाया, इसी को ले जाओ जो मेरे हबीब के इश्तियाक में रो रहा। जेरा रोया होदा कम मियां, जिनको मोहब्बत होती है, मोहब्बत वाले को जब महबूब नहीं मिलता तो वो महबूब के इश्तियाक में रोता है। बोलो, हमें हुजूर की मुलाकात का शौक है, क्या हम कभी हुजूर के इश्तियाक में रोए हैं? तो हमें मोहब्बत नहीं जैसी की होनी चाहिए, मोहब्बत पैदा करो। सबसे ज्यादा मोहब्बत जब तक ना होगी हम मोमिन नहीं बनेंगे, और जब मोहब्बत सबसे ज्यादा होगी तो फिर शौके मुलाकात भी होगा, और अगर महबूब नहीं मिलेगा तो महबूब के इश्तियाक में रोना भी आएगा, और जब उनकी मोहब्बत में, उनकी याद में, उनके इश्तियाक में रोएंगे तो वो कर्म कर देंगे और शर्फे मुलाकात बस। ये मोहब्बत की निशानियां बयान कर रहा हूं, अब एक बात जरा सुनना दिल के कानों से। मोहब्बत की एक और निशानी, ये किसने बयान किया? ये भी हुजूर ने बयान की। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाती है, हुजूर फरमाते हैं मोहब्बत जो होती है वो मुहिब को महबूब का ऐब देखने से अंधा बना देती है और महबूब का ऐब सुनने से बहरा कर देती है। मोहब्बत अंधा और बहरा बना देती है। मोहब्बत वाला ना महबूब का ऐब सुन सकता है ना देख सकता है। मोहब्बत वाली आंखों महबूब के अंदर कोई ऐब नजर नहीं आता, ना वो ऐब सुन सकता है। गौर से सुनो, अगर मोहब्बत है तो मोहब्बत वाला महबूब का ऐब नहीं देखता और मोहब्बत वाला महबूब के मुतल्लिक ऐब सुन भी नहीं सकता। इधर ध्यान करो आप मेरी तरफ, गौर करो जरा। देखो, मोहब्बत की निशानी तो यह है कि महबूब के अंदर ऐब हो भी तो भी मोहब्बत वाली आंख को वो ऐब ऐब नहीं नजर आता। लोगों के नजदीक वो ऐब होता है लेकिन मोहब्बत वाले के नजदीक वो ऐब नहीं होता। मोहब्बत की निशानी तो यह है कि ऐबदार महबूब का ऐब नजर नहीं आता, तो जिसको बेऐब में ऐब नजर आए तो दावा करे मोहब्बत का, वो अपनी मोहब्बत के दावे में सच्चा हो सकता है। और रसूलुल्लाह तो बेऐब है, मोहब्बत की निशानी तो यह है कि ऐबदार महबूब का ऐब नजर नहीं आता, और जिनको बेऐब में ऐब नजर आए और दावा करे मोहब्बत का, वो किस तरह सच्चे हो सकते हैं? हुजूर की मोहब्बत के दावे में सच्चे वो हैं जो हुजूर को बेअहम मानते हैं। हुजूर को बेअहम मानते हैं और हुजूर के ऐब के मुतल्लक बात सुन भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। देखो ना, अगर किसी से मोहब्बत हो और कोई उसके मुतल्लक नुक्ताचीनी करे तो मुहिब वहां बैठेगा, सुनेगा, कहेगा मेरे महबूब पर नुक्ताचीनी कर रहा है, बैठेगा नहीं। गैरत मोहब्बत जोश में आएगी, उसका दिल चाहेगा मैं इसको बैठेगा नहीं, चला जाएगा, कहेगा ये मेरे महबूब पर नुक्ताचीनी कर रहा। तो मियां, तुम्हें अगर रसूलुल्लाह के साथ सबसे ज्यादा मोहब्बत हो तो जो लोग रसूलुल्लाह पर नुक्ताचीनी करती हैं, हुजूर के अयूब और नकायस बयान करती हैं, फिर तुम उनकी बातें सुन सकते हो? तो जब सुनते हो तो मालूम हुआ तुम्हें मोहब्बत नहीं। अगर मोहब्बत है तो इस किस्म के लोगों की बातें सुनो भी नहीं, उनके पास भी मत बैठो जो महबूब पर नुक्ताचीनी करे। और ये लोग तो करते ही नुक्ताचीनी। एक मौलवी ने कहा, जंगे ओहद में वो अपने दांत नहीं बचा सके, हमें क्या बचाएंगे? उन्होंने तो अपनी बेटी से कहा, मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता,
जो अपनी बेटी का कुछ नहीं कर सकते वो हमारा क्या करेंगे? किसी को नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उनके इख्तियार में कुछ भी नहीं था, उनको तो कुरान जी का इलम नहीं था, वहां भूल गए, वहां उनसे ये गलती हो गई। तो जो इस किस्म की बातें करते हैं, और देखो ना क्या ये मोहब्बत की निशानी है कि कोई कहे कि हुजूर के रौदा अनवर के दरो दीवार को चूमना जायज नहीं, आग लगाना जायज नहीं, नाम चूमना जायज नहीं। ये जो इस किस्म की बातें करते हैं ये मोहब्बत की बातें हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गो, मोहब्बत वाला जो होता है उसकी तो ये हालत होती है कि महबूब की गलियों में फिरने वाले कुत्तों को भी प्यार की निगाह से देखता है। मोहब्बत की तो ये, और ये कहते हैं हुजूर पर सलाम ही ना करो, हुजूर का जिक्र ही ना करो, मिलाद ही ना करो, हुजूर का नाम ही ना चूमो, हुजूर ही ना करो, ये मोहब्बत है? मोहब्बत वाला ना महबूब का ऐब देखता है और ना सुन सकता है। मोहब्बत वाली आंख को तो ऐबदार महबूब का ऐब नजर नहीं आता, और ये तो बेऐब के अंदर ऐब ढूंढते हैं, इनको मोहब्बत कहाँ है? मोहब्बत उनको है, मोहब्बत के दावे में वो सच्चे हैं जो हुजूर को बेऐब मानते। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत बेऐब मानते, हम वहां बैठते भी नहीं जहां हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी, बिल्कुल उनकी बात ना सुनो, उनके पास भी मत बैठो जो बेअदबियां और गुस्ताखियां करने वाले हैं। देखो ना, कोई शख्स अपने बाप के मुखालिफ के पास बैठे तो बाप नाराज होता है या नहीं? बाप कहता है बेटा मेरा लेकिन दोस्ती रखता है मेरे मुखालिफ से, बैठता होता है मेरे मुखालिफ के पास। तो बाप के मुखालिफ के पास कोई बैठे बाप नाराज होता है, तो जो रसूलुल्लाह के मुखालिफ है, जिनके कदमों की खाक पर माँ बाप कुर्बान है, जो उनके मुखालिफों के पास बैठेगा रसूलुल्लाह नाराज नहीं होगा। इस वास्ते मुखालिफों के पास मत बैठो, मुखालिफों की किताबें भी मत पढ़ो। अब मैं तुम्हें किताब के मुतल्लक बताऊं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला नो एक मरतबा हाजिर हुए, उनके हाथ में एक किताब। हुजूर ने फरमाया उमर तुम्हारे हाथ में क्या है? अर्ज किया या रसूल ये तौरात शरीफ जो अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम पर उतारी। ये सुनते ही हुजूर का चेहरा सुर्ख हो गजबनाक हो गए, फरमाया उमर तुम कुरान के होते हुए तौरात को देखते हो, याद रखो जिस मूसा पर यह किताब उतरी थी अगर आज वो मूसा भी होते तो इस तौरात को छोड़कर कुरान को पढ़ते। तुम तौरात को देखते हो, खबरदार आइंदा मैं तुम्हारे हाथ में इस किताब को दे दूं। तो बोलो वो तो तौरात थी, अल्लाह की किताब थी, लेकिन हुजूर ने मना फरमा दिया। क्यों मना फरमा दिया? कि लोगों ने उसके अंदर गड़बड़ कर दी, लोगों ने गड़बड़ कर दी, हृदय में जहर मिला दिया, लोगों ने अपने अपनी तरफ से बात बातें उसमें दाखिल कर दी और बात बातें निकाल दी थी, अल्लाह की बात बातों को निकाल दिया और अपनी बात बातों को उसमें दाखिल कर दिया। अल्लाह फरमाता फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम व यकूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह। लिखते हैं अपने हाथों से, खुद अपनी तरफ जो कहते हैं अल्लाह की तरफ से, अपनी तरफ से बात लिख के डाल के उसमें कहते थे अल्लाह की तरफ, और अल्लाह की बातें जो हक थी वो निकाल देते थे। अब इसमें खतरा क्या था? खतरा ये था कि हजरत उमर को या किसी और को तो तफसीली इलम है नहीं कि कौन सी बात इन्होंने खुद दाखिल की है और कौन सी निकाली। अगर उनकी बात को उन्होंने अल्लाह की बात कह दिया तो कुफर, जो उन्होंने अपनी तरफ से दाखिल किया उसको अल्लाह की बात समझ ली तो कुफर, और जो अल्लाह ताला ने बात फरमाई है और उन्होंने उसको निकाल दिया है उसको उन्होंने अल्लाह का कलाम समझ लिया तो कुफर। दोनों सूरतों में खतरा था, तो फरमाया इसको हाथ ही मत। तो देखो हुजूर ने हजरत उमर जैसी हस्ती को, हजरत उमर जानते हैं कैसी हस्ती थी, हुजूर ने फरमाया इन शैतवाना या फिर रो मिन जिल्ले उमर, शैतान उमर के साय से भी भागता। तो जिस उमर की शान यह थी कि शैतान भी उनके साय से भागे, उनको हुजूर ने तौरात देखने से मना कर दिया। तो मियां हम लोग तो बड़े गुनाहगार हैं,
शैतान हमारे साये से नहीं भागता, वो तो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। तो अगर हम बेअदबों गुस्ताखों की किताबें पढ़ेंगे तो हम पर असर होगा या नहीं होगा? इसलिए हाथ ही नहीं लगाना चाहिए। मैं एक मिसाल पेश करता हूँ। बहुत लोग बड़े सीधे होते, कहते हैं मौलवी साहब वो अच्छी बातें भी तो करते हैं, जो अच्छी बात हुई बोले नहीं, जो बुरी होगी छोड़। हम उनकी किताब पढ़ते हैं, हम समझ लेते हैं कहां गड़बड़ शड़बड़ मार रहे हैं। तो जो अच्छी बात हुई बोले नहीं, जो बुरी हुई छोड़। ये काम है आलिम का, आलिम समझ सकता है कहां गड़बड़ मारी, दूसरा नहीं समझ। मैं तुम्हारे लिए एक बात करता हूं, कोई शख्स अध से हलवा बनाए, आठ छटा कितने तोड़े होते हैं, 40 तोड़े, और एक तोड़ा जहर मिला दे, एक तोड़ा उसमें जहर है, बाकी 39 तोड़े चीजें अच्छी है। सूजी जिसको रवा बोलते, चीनी और घी, किशमिश, मगज, बादाम, पिस्ता, नारियल वारियल जो कुछ डालते, बड़ा मजेदार हलवा बना के चांदी के वर्क लगा के प्लेट सजा के ले आए और कहें जी खाओ। तो आप जब चांदी के वर्कों को, बादाम, मगज बादाम को, किशमिश और पिस्ते विस्ते को देखेंगे, आपके मुंह में पानी आ जाएगा, फटाफट जाएंगे कि खाएं। उधर से जनाब ये हमारे हजरत उलमाए किराम तशरीफ ले आए और इनमें से कोई साहब हलवे को हाथ मत लगाना, इसमें जहर मिला हुआ। जानने वाला आगाह करते हो, खबरदार हलवे को हाथ न लगाना, इसमें जहर मिला हुआ। और जो खिलाना चाहता है वो कहेगा कहाँ है जहर, अरे भैया किशमिश देखो, पिस्ता देखो, मगज बादाम देखो, पंजाब के तैरते हुए घी को देखो, चमकते हुए बर्फों को देखो, अरे खा महा छोड़ रहे खाओ। तो बोलो जिसको जान प्यारी होगी वो हलवा खाएगा। वो कहते नहीं साहब मैं तो हाथ नहीं लगाता, इसमें जहर भी लगा। वो कहेगा जहर कहाँ नजर आता है, किशमिश तो नजर आ रही और पिस्ता तो नजर आ रहा है, जहर तो नजर नहीं आता। वो कहते नहीं अगर से जहर नजर नहीं आता मगर अंदर छुपा हुआ है, ये हिलाफ कर देगा मैं नहीं खाता। और जो खिलाना चाहता है जबरदस्ती, वो कहेगा चलो मान लिया कि जहर मिला हुआ है, मगर जहर तो है एक तोड़ा, बाकी 39 तोड़े चीजें तो अच्छी है। एक तोड़े को देखकर 39 तोड़े छोड़ रहे। तो वो कहेगा जिसको जान प्यारी होगी वो कहेगा कि 39 तोड़े तो फायदा करेंगी नहीं, एक तोड़े बेड़ा घर कर 39 तोड़े फायदा नहीं करेंगे, एक तोड़ा बेड़ा घर कर देगा अगर ये हलवा कर। तो मियां जिसको जान प्यारी होगी वो हलवा कभी नहीं खाएगा जिसमें जहर मिला हुआ है। अब सुनो, मैं मानता हूं कि इनमें बहुत सी बातें अच्छी भी हैं। इनकी दाढ़ियां देखो, इनके माथे के मेहराब देखो, इनकी शक्लें सूरतें देखो, इनकी बातें देखो तो ऐसी जैसे किशमिश पिस्ता। जाहिर में बड़े अच्छे लगते हैं लेकिन अंदर जो बदअकीदगी का जहर है दिल के अंदर, वो जो दिल के अंदर बदअकीदगी का जहर छुपा हुआ है वो तो नजर नहीं आता। दाढ़ी वाड़ी माथे का मेहराब तो नजर आता है मगर अंदर जो छुपा हुआ बदअकीदा है, बदअकीदगी है, वो नजर आती। तो तुम तो दाढ़ी देख के फंस जाते, माथे का मेहराब देख के फंस जाते हैं। इनके ऊंचे ऊंचे पांचे, मिस्कीनों की सी शक्लें और मीठी मीठी बातें देखकर तुम फंस जाती हो, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं है कि अंदर जहर है। और जानने वाले तुम्हें बताती है कि देखो ये जाहिर को देखकर धोखे में ना आ जाना। तो याद रखो जिसको जान प्यारी होगी वो उस हलवे की प्लेट को हाथ नहीं लगाएगा और जिसको ईमान प्यारा होगा वो इनकी सोबत में कभी नहीं बैठेगा। मैं इनकी किताबें तो मियां तुम्हारी नजर है जाहिर पर, हमारी नजर है अंदर, वो जो अंदर जहर पड़ा है हम उसको देखती है। और तुम क्या देखते हो? तुम देखते हो टीवी पर आता है, रेडियो पर बोलता है, बड़े सूझ बड़ी जल्दी धोखे में आ जाते हैं। वो सही होगी जब और आप जब अगला घर दबा देता है तब इसको होता है। टीवी पर, रेडियो पर आता है ये टीवी रेडियो, लेकिन कभी सुना है कि उसने तकरीर से पहले बिस्मिल्लाह भी पढ़ी है? सुना है कभी? कभी खुतबा पढ़े?
بسم اللہ یا الحمدللہ ڈرامائی انداز کہتے ہیں کہ فلانی جگہ یوں نہ مونچ نہ داڑھی ٹی وی پر آ گیا تو ہم بول نہ گئی اتوں اور پہلے یہ تو دیکھو اس کا عقیدہ کیا ہے یہ کیوں کہہ رہا ہوں کسی شخص نے یہ لکھا ہے کہ یہ بتائیں کہ شاہ بلیغ الدین صاحب کس فرقے سے تعلق ہے پکے کٹر وہابی اور خارجی زندہ باد مجھے شاہ بلیغ الدین صاحب سے کوئی عداوت نہیں کوئی اناد نہیں کوئی شریک برادری کا جھگڑا نہیں لیکن عقیدے اور ایمان کی بات ہے پکے وہ ہے پکے جو سلام پڑھنے کے منکر یا رسول اللہ کہنے کے منکر نظر و نیاز کے منکر بزرگان دین کے منکر ان کے مزارات پر جانے کے منکر اور آپ حیران ہوں گے جاؤ جا کے کراچی والوں سے پوچھ لو ان کی تقریروں کی کیسٹیں بھری ہوئی ہیں یزید کو اچھا کہتے ہیں یزید کو کہتے ہیں امیر المومنین تھا نیک تھا حضرت امام حسین نے غلطی کی ان کو چاہیے تھا ان کی بیعت کر لیں اور وہ شہید بھی نہیں ہے شہید تو وہ ہے جو اللہ کے لیے لڑے وہ تو جنگ اقتدار کے لیے لڑے تھے تخت کے لیے لڑے تھے یہ ہے ان کی تو ہمیں ان سے کوئی انعام نہیں جو عقیدہ چاہیں وہ رکھے دنیا میں بڑے لوگ پھرتے ہیں مگر لوگ ہمارے سنی لوگ جو ہیں وہ بھی غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور مائل ہیں اس لیے مجھ سے پوچھا گیا اور میں نے کہا ہے مجھے کوئی ان سے انعام نہیں عقیدے میں وہ دوسرے ہیں ہمارے عقیدے کے کٹر ہیں وہ اور خارجی ہیں جو امام حسین کے مخالف ہیں اور یزید کے حامی تو میرے دوستوں بزرگوں عرض یہ کر رہا تھا کہ محبت کی علامت یہ ہے محبت والا محبوب کے مخالف کے پاس نہیں بیٹھتا اس کی بات کہتا ہے یہ میرے محبوب کا مخالف اس کے پاس بیٹھنے سے محبوب ناراض محبوب کی خوشی نہیں ہے کہ میں اس کے پاس اگر رسول اللہ کے ساتھ سچی محبت ہے تو جو رسول اللہ کے مخالف ہے ان کی صحبت میں مت بیٹھو ان کی باتیں نہ سنو ان کی کتابیں نہ پڑھو سنو سنو محبت کی علامتیں بیان کرو محبت کی یہ علامت ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ تعلق اور نسبت رکھنے والی ساری چیزیں محبوب ہو جاتی جس سے محبت ہوگی اس محبوب کے شہر سے بھی محبت ہوگی جس شہر میں وہ رہتا ہوگا وہ بڑا پیارا شہر لگے گا چنانچہ مولانا روم لکھتے ہیں مثنوی شریف کے اندر کے ایک شخص سے کسی نے پوچھا عاشق سے اور تو نے دنیا پھری ہے تجھے کون سا شہر پسند آیا تو اس نے کہا مجھے وہی شہر پسند آیا جس میں میرا محبوب ہے ڈاکٹر اقبال مرحوم بھی فرماتے ہیں فرماتے ہیں خاک طیبہ آج دو عالم خوش ترست وہ خنک شہر کے در وہ دل برست فرماتے ہیں مجھے ہمیں مدینہ طیبہ کی مٹی دونوں جہان سے پیاری لگتی ہے السلام علیکم کیونکہ یہ وہ شہر ہے جس شہر میں ہمارا دل بن رہتا ہے ہمارا آقا رہتا ہے اور یہ قرآن سے بھی صاف اللہ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد مجھے اس شہر مکے کی قسم کیوں اس لیے کہ اس میں اللہ کا گھر ہے اس لیے کہ اس میں حجر اسود ہے مقام ابراہیم ہے صفا مروہ ہے منا ہے مزدلفہ ہے عرفات ہے مزدلفہ ہے عرفات ہے یہ سب مقامات مقدسہ ہے مگر اللہ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد محبوب مجھے شہر مکے کی قسم اس لیے کہ تو اس شہر میں جلوہ گر ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ تو دیکھو محبوب جس شہر میں رہے وہ شہر بھی پیارا لگتا جس گھر میں رہے وہ گھر بھی پیارا لگتا محبوب کی اولاد بھی پیاری محبوب کے دوست بھی پیارے
महबूब की हर अदा प्यारी, जो महबूब होता है उससे निस्बत और ताल्लुक रखने वाली हर चीज महबूब हो जाती है। तो देखो जो सहाबाए किराम की शान में गुस्ताखियां करते हैं मालूम हुआ वो भी हुजूर को महबूब नहीं समझते। जो सहाबाए किराम की शान में गुस्ताखियां करते हैं मालूम हुआ वो भी हुजूर को महबूब नहीं समझते, क्योंकि अगर वो हुजूर को महबूब समझते तो हुजूर जिनको महबूब रखते हैं उनको भी महबूब रखते। हुजूर अस्हाब को महबूब रखते थे तो जो महबूब के महबूब वो हमारे महबूब, जिनको हुजूर से सच्ची मोहब्बत होगी वो हुजूर की औलाद से भी मोहब्बत रखे, हुजूर के अस्हाब से भी मोहब्बत, हुजूर की शरीयत से भी सुन्नत से भी मोहब्बत रखेंगे। इसी बात पे हुजूर ने फरमाया मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत को महबूब रखा उसने हकीकत में मुझे महबूब रखा, क्योंकि हुजूर का तरीका। जिसको हुजूर से मोहब्बत होगी, हुजूर की सुन्नत से मोहब्बत, हुजूर की औलाद से मोहब्बत, हुजूर के अस्हाब से मोहब्बत, हुजूर के दोस्तों से मोहब्बत, हुजूर के शहर से मोहब्बत, हर उस चीज से मोहब्बत होगी जिसकी निस्बत और जिसका ताल्लुक हुजूर के साथ हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी मोहब्बतें हमारे अंदर हम सबको महबूब रखें, लेकिन एक खामी है हमारे अंदर, ये जरा कड़वी बात है। पहले मीठी बातें थी, कड़वी बात रचनो एक खामी है, उसको अगर दूर कर ले तो फिर हम सच्चे मोहिब बनते। वो कौन सी खामी है सुनो, मोहब्बत की एक अलामत ये है इन्नल मुहिब्बा ले मैं यो हिब्बो मुती हूं, मुहिब जो होता है वो अपने महबूब का मुती हो फरमा बरदार होता है। महबूब के हुक्म की खिलाफ वर्दी नहीं, कोई ऐसा काम नहीं करता जो महबूब की नाराजगी का है। चुनाचे सुनो, हमें हुजूर से सबसे ज्यादा मोहब्बत, अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत हो तो फिर हम हुजूर की फरमा बरदारी भी। कोई मुरीद अपने पीर से कहे हजरत जी मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत, मां बाप और आप जान से भी आप ज्यादा प्यारे, हजरत जी आप मुझे सब चीजों से ज्यादा प्यारे हैं, मगर मैं आपका कहना नहीं मानूंगा, मोहब्बत मुझे आपसे बड़ी है हजरत, लेकिन मैं आपका कहना नहीं मानूंगा। तो पीर साहब उस मोहब्बत को मानेंगे, कहेंगे भाई तुम हमसे मजाक करते हो, ये तो मजाक होगा मोहब्बत नहीं। अगर मोहब्बत होती तो फिर तुम्हारा ये हाल होता कि तुम्हारा दिल इस जज्बे से लबरेज होता कि मेरा पीर मुझे कोई हुक्म दे और मैं उस हुक्म की तामील करके उसकी निगाहों में अपना कोई मकाम पैदा करूं। मोहब्बत वाला तो तड़पता है कि मेरा पीर मुझे कोई हुक्म दे मैं उसकी तामील करूं, मेरा महबूब मुझे कोई हुक्म दे तो मैं उसकी तामील करके महबूब को खुश करूं। अगर वाकई अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ सबसे ज्यादा मोहब्बत है तो उनकी फरमा बरदारी भी करो, उनके अहकाम को मानो, ऐसे काम ना करो जो उनकी नाराजगी का बाइस हो। तो बोलो अल्लाह ने और उसके रसूल ने हमें हुक्म दिया कि हम नमाज पढ़े, तो अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो फिर हम उनका कहना तो मानते नहीं, मोहब्बत कैसी है। उन्होंने हुक्म दिया कि रोजा रखो, ज़कात दो, तौफीक हो तो हज करो, सच बोलो, झूठ से इंतनाब करो, गीबत ना करो, शराब ना पियो, जुआ ना खेलो, बुराई ना करो, बदकारी ना करो, किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ, बल्कि अपने हाथों और अपनी जुबान से लोगों को आराम पहुंचाओ। आपस में एक दूसरे से हमदर्दी। हुजूर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लिअखीहि मा युहिब्ब लिनफ्सिह, तुम में कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता जब तक वो अपने मुसलमान भाई के लिए भी वही कुछ पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। आज मुसलमान की हालत क्या है, मुसलमान मुसलमान की जान का दुश्मन, मुसलमान मुसलमान के माल का हरीस, मुसलमान दूसरे मुसलमान की इज्जत और आबरू को लूटने से भी दरेग नहीं करता। ये मुसलमान जो मुसलमानों की आबरू लूटती, मुसलमानों की इज्जतों पर हमला करती, मुसलमानों के साथ दुश्मनी और अदावत रखती, हुजूर फरमाते हैं तुम मोमिन ही नहीं बन सकते जब तक अपने दूसरे मुसलमान भाइयों के लिए भी कोई कुछ पसंद न करो जो अपने लिए पसंद करो। तो बोलो भाई कोई मुसलमान अपने लिए पसंद करता है कि उसके घर को आग लगे,
और जब वो अपने लिए ये पसंद नहीं करता तो दूसरों के लिए भी यही पसंद करना चाहिए कि किसी के घर से आग। कोई मुसलमान ये पसंद करता है कि मेरी बहू बेटी की तरफ कोई टेढ़ी नजर करके देखे तो दूसरों के लिए भी यही चाहना चाहिए। कोई मुसलमान ये चाहता है कि मेरा मेरे घर की कोई चोरी कर ले, मेरी दुकान की कोई चोरी कर ले तो दूसरों के लिए भी यही जज्बा रखना चाहिए कि किसी की भी चोरी ना हो, किसी का भी माल ना लूटे। और आज ये मुसीबतें, ये सिंधी है, ये पंजाबी है, ये हिंदुस्तानी है, ये पठान है, ये बलोच है, अरे ये क्या हो गया? ये नाम तो रखे थे तारुफ और शनाख्त के लिए, असल में तो हम सब मुसलमान है, हुजूर के गुलाम है और मोमिन सब भाई भाई है। तो आज हम एक दूसरे को हिकारत और नफरत से देखते हैं, सीनों में हसद और बुग्ध भरा हुआ है, एक दूसरे के साथ डरते हैं, एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। ये सरकार की तालीमात के सरासर खिलाफ। अगर सच्ची मोहब्बत है तो सरकार की फरमा बरदारी करो, सरकार के अहकाम की तालीम करो, सरकार के अहकाम और तालीमात की पैरवी करो। देखो हमारा हाल क्या है, बीवी से मोहब्बत आती है तो बीवी कहती है दाढ़ी बना दे, बराबर बना दाढ़ी ना रखी, इतनी बढ़ कैदी बढ़ बाल लंबे लंबे कर, तुम ये हो जी पतरूर पैर उत्तो तंग हो थलो एडी चौड़ी क्या भाई। अरे सुनो ना, जिसके साथ मजादी मोहब्बत होती है, मजादी मोहब्बतें नहीं होती, सारी रात जागना पड़े, जो कुछ करना पड़े, जो कुछ वो कहे जान पर खेलना पड़े, उसकी कोई फरमाइश हो चाहे किस तरह भी उसको पूरा करना पड़े करेगा, लेकिन हुजूर के साथ तो सबसे ज्यादा मोहब्बत, हुजूर के कहने की परवाह नहीं तो ये मोहब्बत कैसी। अब बीवी की तरफ कोई तेरी नजर करके देखे हम मरने मारने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो जिसके साथ बीवी से भी ज्यादा मोहब्बत रखना लाजिम है, उसकी शान में कोई गुस्ताखियां करता फिर हम तक से बच नहीं होती। कैसी मोहब्बत, अमली तौर पर साबित करो कि हमें रसूलुल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत, बीवी से ज्यादा, माँ बाप औलाद से ज्यादा। देखो ना, बेटे पर कोई तकलीफ आ जाए, बीमारी हो जाए, वो कहने लाहौर ले जाओ, जाओगे पावे वाही जाते जाओगे, कराची ले जाओ, फलाना डॉक्टर है उसको दिखाओ, पावे उसकी फीस 500 रुपया हो, फला जगह से दवाई मंगवाओ, कितना खर्चा हो जाए, बेटे का कितना खर्चा। हुजूर के दीन को देखते हैं मिट रहा है, हुजूर की शान पर हरफ आ रहा है, परवाह नहीं, टके मछली 5 रुपये नहीं निकल, बड़ी मुश्किल। तो ये मोहब्बत अमली तौर पर साबित करो कि हमें रसूलुल्लाह से मोहब्बत है और हुजूर सबसे ज्यादा प्यारे हैं, हुजूर की खातर जान माल सब कुछ कुर्बान। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये मोहब्बत की चंद निशानियां हैं, अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहें तो मेरी किताब जिक्रे जमील पर कर देखें। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ सबसे ज्यादा मोहब्बत, और कौन सी चीज है जिससे मोहब्बत रखनी है, तीसरी चीज भी तो है, अल्लाह की राह में जिहाद। अहब्बा इलैकुम मिन अल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीले, अल्लाह की राह में जिहाद करना, अल्लाह की मोहब्बत, उसके रसूल की मोहब्बत और राह खुदा में जिहाद करने की मोहब्बत। बस जिहाद के मुतल्लक 5-7 मिनट टच करके गुफ्तगु खत्म करता हूं, 2 घंटे से ज्यादा तकरीर नहीं आप करूं, 2-3 जगहों पर ज्यादा वक्त लग गया, बाद में मुझे बड़ी तकलीफ हुई और आज वैसे भी मैं थका हुई, क्योंकि इत्तेफाक से जब मैं कराची से बैठा गाड़ी पर तो वहां एक बदअकीदा से गुफ्तगू हो गई गाड़ी, पहले तो मैं चुप करके बैठा रहा, क्योंकि मैं सफर में अक्सर बोलता नहीं और वो लगा हुआ, जब हादसे ही आगे बढ़ गया ना सुन्नियों के खिलाफ तो मेरे सफर का पैमाना भी लबरेज हो, मैं बस चुप ही नहीं कर, मैं चुप करके बैठा हुआ कि चलो लगा हुआ, जब ज्यादा ही आगे बढ़ गया तो फिर मैं बोल, और फिर मैं ऐसा बोला, एक तो गाड़ी चल रही थी जोर से बोलना पड़ा, दूसरा बदला जोश में आ गया, फिर मैंने जो उसकी मुरम्मत की याद करेगा आबिद अनीब साहब पास बैठे, ये हमारे साथी जाएंगे, फिर उसकी बाद में तो ऐसा नरम हुआ
तू फिर बड़ी माफिया माफिया मांगी मैं। तू यार एवं चढ़ गई होना, तू समझाया कोई नहीं है। क्योंकि मैंने देखा ना कि दूसरा भी मुतासर होता है, उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। जब मैं बोला मिसाल मेरी तरफ, मैं क्या शुक्र है इनका ईमान था भैया, नहीं तो ये उसका तासुर लेके जा। तो बहुत ज्यादा बोलना पड़ गया। तो मैंने कहा यार, जब वो जाने लगा मैं कहा तूने मेरा दिमाग चट किया, माफ कर दो, मगर बहुत कुछ मालूम आप वही है। मैं क्या खुदा करे अल्लाह तेन हिदायत दे। तो सुनो तीसरी चीज, अल्लाह की राह में जिहाद करने की मोहब्बत। बहुत मुख्तसर करता हूं, जिहाद की कई किस्में हैं। सरे तक मैं दो किस्मों पर बात करूंगा, एक है जिहाद बिन सैफ और एक है जिहाद बिन नफ्स, तलवार की जंग और नफ्स के साथ जंग। ये नफ्स के साथ जंग करना जिहाद अकबर है, और तलवार हाथ में लेकर काफिरों के साथ लड़ाई करना जिहाद असगर है। ये हुजूर का फरमान है। कैसे? काफिर के साथ जंग करने का मौका कभी कभी किसी किसी को मिलता है, रोज जंग तो नहीं ना लगी रहती, लेकिन नफ्स के साथ 24 घंटे ही जंग जारी। काफिर जाहिरी दुश्मन है, नफ्स बातनी दुश्मन है। जाहिरी दुश्मन को पछाड़ना शिकस्त देना आसान होता है, बनिस्बत बातनी दुश्मन। तो जो जो दुश्मन 24 घंटे ही पीछे लगा हुआ है, और ऊपर से दोस्त है अंदर से दुश्मन है, खतरनाक किस्म का दुश्मन, इसके साथ जंग भी बड़ी जंग होगी। इसी वास्ते हुजूर फरमाते हैं, मिश्कात शरीफ में हदीस है, अल मुजाहिद मन जाहद बि नफ्से, मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स के साथ जिहाद करे। बस ये नफ्स के साथ जिहाद करने का तरीका चंद मिनटों में बताता हूं। खुदा करे कि हम में से कोई अमल करे मुजाहिद बन जाए तो बेड़ा पार हो जाए। अभी तकरीर हो रही है, 12:30 बज गए, सलाम पढ़ते हुए दुआ करते हुए 1 बज गए, घरों में जाएंगे आप सो जाएंगे, बड़ी गहरी नींद आ जाएगी, बिस्तर नरम भी और गर्म भी, और नींद बड़ी मीठी और बड़ी गहरी। उधर सुबह के वक्त कानों में आवाज आएगी, हैया अलस्सलाह हैया अलल फलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। जिहाद शुरू हो गया, ईमान और रूहानियत का तकाजा है उठ। नफ्स कहे मैं सोता, आज तू देर से सोया है, अगर नींद पूरी ना हुई तो सुबह काम नहीं हो, अभी बड़ा टाइम है, दफ्तर तो 8 बजे जाना, दुकान से 9 बजे पड़ी। नफ्स कहता है सोया रहे, ईमान और रूहानियत का तकाजा है उठ, पहले एक रुख ले लो। हम सो गए, बोलो किसकी पता होगी? नफ्स की। जो नफ्स का तकाजा है वो बुरा हो गया तो नफ्स की ख्वाहिश पूरी हो गई, नफ्स की फतह हो गई, ईमान और रूहानियत की शिकस्त हो। सुबह सुबह सूरज निकला है, नमाज भी गई जमात भी गई, उठे, जरूरियात जिंदगी से फारिग हुए हैं, पेशाब पेशाब कर, मुंह पर हाथ, मेरा यार शेव करने वाली हो गई है, लेकर बैठ गए साबुन और सेफ्टी रेजर लगा के साबुन बुरश के साथ कभी सीधा और कभी उल्टा उस तरह घेर लिया। बोलो ये दाढ़ी मूंडना नफ्स का तकादा है या ईमान रूहानियत का? नफ्स ही कहता है ना प्लेटफार्म साफ रखे, दाढ़ी मूंड दी, नफ्स की फतह। बाहर निकले, दफ्तर जाने के लिए, दुकान पर जाने के लिए, इशारतन बात करता हूं, तफसील में नहीं जाता, गैर महरम औरतें कितनी हैं बना, बहुत सी औरतें आजकल जो पढ़ता थे। नफ्स कहता है देख, ईमान और रूहानियत का तकादा है, मत देख, लगा लीजिए। अगर हम देखने लगे, देखने लग जाए तो बोलो किसकी फतह हो गई? नफ्स। अला हादल क्या, सारा दिन इसी तरह कुछ चाल बेढंगी रहे, ना नमाज ना शरीयत ना तरीकत, ना जुबान काबू में है, ना दिल का दिल पर कंट्रोल है, जुबान से गाली झूठ बक रहे हैं, बुरी बातें सुन रहे हैं, हाथों से बुरे काम कर रहे हैं, पैरों की तरफ से बुरे कामों की तरफ चल के जा रहे हैं, गैर महरम औरतों की तरफ देखते हैं, नमाज की परवाह नहीं, नफसानी ख्वाहिशात पूरी हो रही है और रूहानी तकादे पामाल हो रहे, नतीजा क्या निकलेगा? एक दिन आएगा कि रूहानियत पै कर पै शकिस्ते खा खा के कमजोर हो जाएगी और बिल्कुल मर जाएगी। रूहानियत मर गई, नफसानियत का गलबा हो गया। जिस शख्स पर नफसानियत का गलबा हो जाए,
वो शक्ल और सूरत के इतबार से इंसान ही रहता है मगर हकीकत में हैवान, बल्कि उससे भी बदतर हो जाता है। फिर उसके ख्यालात भी नफसानी, तकादे भी नफसानी, काम भी नफसानी, नफसानी कामों के जोड़ तोड़ में हर वक्त लगा रहे, कभी इस फुटपाथ पर, कभी उस फुटपाथ पर, कभी उस बाजार में, कभी उस बाजार में, है नफसानी कामों के पीछे लगा। अब ले लो तस्वीर का दूसरा रूप, जो लोग नफसानी खासात को पामाल करते रहती है, चाहे कितने थके हुए, देर से लेटे, सुबह अजान हुई परवाह नहीं उठ बैठे, न पानी ठंडा गर्म देखते, न थकावट देखते, नमाज पढ़ी, बल्कि वो तो ताज्जुद भी पढ़ते, नमाज पढ़ी। हुजूर ने सलातो सलाम फरमाते हैं, जो मुसलमान फजर की नमाज जमात के साथ पढ़े और फिर वहीं बैठकर जिक्र अज़कार करता रहे यहां तक कि सूरज निकल आए, और सूरज जब जरा बुलंद हो जाए तो वो दो रकात नमाज इश्तराक पढ़ ले, तो फरमाया कि उसको एक हज और एक उम्रे का सवाब मिला। दिन चढ़ते ही इन्होंने अपने नामे अमाल में नेकियां भरवा ली, रात को दुरूद शरीफ की तस्बीह, तहज्जुद, नमाज जमात। औरतें सामने आती हैं, निगाहें झुका लेती हैं, जुबान पर काबू कंट्रोल रखती हैं, पहले तोलते हैं फिर बोलती हैं, मुंह से बात निकालने से पहले सोचते हैं इसका अंजाम क्या होगा, बाकायदा नमाज पढ़ते, नफसानी ख्वाहिशात की परवाह नहीं करते, उनको कुचलते रहती है, ईमानी और रूहानी तकादे पूरे करते रहते। नतीजा क्या निकलता है, इनका नफ्स पै दर पै शकिस्ते खा खा के कमजोर होता है, एक दिन आता है बिल्कुल मर जाता है, रूहानियत का गलबा हो जाता है। जिन पर रूहानियत का गलबा हो जाता है उनके ख्यालात भी रूहानी, तकादे भी रूहानी, काम भी रूहानी, शक्ल और सूरत के इतबार से तो इंसान ही होती है मगर फरिश्तों से अफजल हो जाती है। जिस तरह वो हैवान से बदतर हो जाता है, ये फरिश्तों से अफजल हो जाता है। जरा ध्यान करना, ये नफ्स को मार देती है, मूतू कबला अंता मूतू, मरने से पहले मर जाओ, क्या मतलब खुदकुशी कर लो, नहीं यानी नफ्स को मार दो, और नफ्स का मारना क्या है, उसकी ख्वाहिशात जो नाजायज है उनको मार दो। तो ये अल्लाह वाले नफ्स को मार देती है, इनका नफ्स मर जाता है, रूहानियत ही रूहानियत रह जाती है। बस एक बात करता हूं, जरा तवज्जो से सुनना, बोलो मौत किसको आती है, कुल्लो नफ्स, कुल्लो नफ्स ज़ायकतुल मौत, बोलो मौत का जायका किसके लिए, नफ्स के लिए, जिस नफ्स को मौत आती है उस नफ्स को तो ये पहले ही मार देती है। जिस नफ्स को मौत आनी है उस नफ्स को तो ये पहले ही मार देते हैं, अब तो रूह ही रूह रह गई, सरापा रूहानियत ही रूहानियत बन जाते हैं। बोलो रूह को भी कभी मौत आती है, जब रूह को मौत ही नहीं आती तो ये तो सरापा रूह बन जाते हैं, लिहाजा फिर जिंदा है जावेद हो जाता, हमेशा जिंदा है, अल्लाह वाले मरते क्योंकि सरापा रूह बन। अब पढ़ो कुरान की आयत, मन अमिला सालेहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मोमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह फरमाता है जो नेक अमल करे वो मर्द हो या औरत, शर्त ये है कि वो मोमिन हो, तो फिर वो मरता नहीं, फला नुह ये जन्ना हूं हयातन तय्यबा, हम उसको हयात तय्यबा पाकीदा जिंदगी के साथ जिंदा ही करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मालूम हुआ हमारा जो अहले सुन्नत का अकीदा है कि औलिया अल्लाह जिंदा है, ये कुरान से सारे। और सुनो, जब जिहाद असगर करने वाला जिंदा है तो जिहाद अकबर करने वाला कैसे जिंदा नहीं, जो जिहादी असगर करते हुए जान देते जब वो जिंदा है, तो जो जिहादी अकबर करते करते जान देते हैं वो भी जिंदा है, शोहदा के जुमरे में दाखिल हो जाते हैं, इनको मुर्दा कहना और मुर्दा समझना जायज। तो ये है तीन चीजें, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, और अल्लाह की राह में जिहाद करने से मोहब्बत। अल्लाह ताला हमें इन तीनों पर अमल करने की तौफीक, हमारे दिलों में अपनी और अपने प्यारे महबूब की मोहब्बत राशिद फरमाए, अपनी राह में जिहाद करने की तौफीक दी, जिस किस्म का भी जिहाद करना पड़े हम जिहाद करें और मुजाहिद बने। मैं अपने अहबाब को फिर एक बार हदिया-ए-तबरीक पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको जिलाए।